वॉइस वॉइस अभी आवाज आ रही है आवाज नहीं आ रही सर मेरी झलक असर भी आप दिख रहा हूं जल्दी बताओ हाय गाइस वेरी गुड आफ्टरनून माने में शुभ उपाध्याय प्रॉपरली ऑडिबल टू यू आई एम प्रॉपरली विजिबल टू यू जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स बताओ जरा ओके लुक्स गुड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल यार ठीक है आई होप आई एम प्रॉपरली ऑडिबल इफ आई एम प्रॉपरली विजिबल टू यू आ रही है आ रही है सर आवाज आ रही है अब बताओ क्या बोल रहे थे अरे कुछ नहीं बोल रहा था यार यही बोल रहा था गुड आफ्टरनून <laughs> कैसा रहा भाई यूजेएसटी दिया था गलत हो गया बच्चों के साथ अरे पेन सिलेक्ट करना अबे कलर ब्लाइंड हो गया लेक्ट हो वाह वाह मोदी जी रुक जाओ लेट मी स्ट्रगल विद पेन और तुम लोग देख रहे हो क्या हो रहा है यहां पे ये रेड है इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं लास्ट स्टेप रेड आ देखो हो गया परफेक्ट ठीक है ओके okay. काफी ज्यादा बेजती करवाने के बाद आई एम बैक लेट स्टार्ट जो कहो अरे 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 भाई साहब पेजेस दे यू गो ठीक ओके सो इन टुडे सेशन यस कैसा रहा यार यूजेएससी कैसा रहा पहले तो ये बता दो हाउ वाज़ यूजेएससी दिया यूजेएससी दिया बताओ मुझे बहुत टफ थे सर क्वेश्चंस <laughs> टफ थे ओके okay. ठीक है सर जी आप सीपीजी पढ़ाओ ना ना बोल रहे हो तो कैसे पढ़ाए दिस इज लीडिंग क्वेश्चन जो यहां पे अहमद पूछ रहे हैं ना ये लीडिंग क्वेश्चन है कि सर आप पढ़ाओगे ना सीपीसी लेकिन कुछ ऐसे कुछ मिला नहीं टफ था okay. बताइए जरा। जिन लोगों ने भी पूरा दिया है, how was the level of difficulty? Level of difficulty कैसा था? ठीक है। level of difficulty कैसा लगा प्लीज बताइए मतलब सेशन स्टार्ट करने से पहले ये जरूरी है आज के सेशन में हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन नंबर वन से लेकर फोर्टी थ्री तक का एरिया कवर करने वाले हैं ठीक है तो ये तो सेटल्ड है मुझे यह बताइए कि आज आप लोगों ने जो यूजीएसटी दिया आपके हिसाब से उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसा था How was it? Above moderate, बहुत टफ स्केल ऑफ टेन इट वॉज एनफ समझने में दिक्कत हुई और इसके अलावा कितना और दिक्कत नहीं थी हार्ड था कितने मिनट मिले थे कितना टाइम मिला था टाइम कितना मिला था पचास क्वेश्चन थे टाइम कितना था बताना सर देवा फिफ्टी क्वेश्चन यूजीएसटी Academy Judiciary स्कॉलरशिप टेस्ट one hour, one hour था एक घंटे थे आपके पास और उसके बाद पचास क्वेश्चन थोड़े से टफ लग रहे हैं टफ मेरे हिसाब से इसलिए लग रहा होगा कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ना पढ़ा हो इनडेप्थ आपने एस ना पढ़ा हो इस चक्कर में डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि अदरवाइज जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए थे आईपीसी के या फिर सीआरपीसी के या फिर एविडेंस के या फिर इवन सीपीसी के ये काफी ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे मतलब उनकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत हाई नहीं थी देवर एवरेज क्वेश्चन ठीक लेकिन हाँ अगर आपने आईपीए ए या एस या फिर लिमिटेशन एक्ट मतलब बेसिकली माइनर लॉज में अगर आपने ज्यादा पढ़ाई नहीं की होगी तो यहां पे आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आई होगी ठीक फेयर डेफिनेटली आपको यहां पे प्रॉब्लम आई होगी क्योंकि ऑब्वियसली <coughs> ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत आई थी सीपीसी नहीं पढ़ा था कोई बात नहीं डेफिनेटली ह्यूमन जेंडर डेफिनेटली ठीक है अरे द बट आप एक बार अटेंड करके देखिए सेशंस को सीपीसी के ऑलरेडी सेशंस हो चुके हैं आपको डेफिनेटली समझ में आएंगे ठीक है शुरू से फर्स्ट वीडियो से लेकर फिफ्थ या सिक्स वीडियो तक लिया है देवाशीष सर ने एक बार उन्हें आप स्टडी कीजिए आपको समझ में आ जाएंगे यू डोंट वरी अबाउट इट ओके नमस्ते यार प्रणाम सत्याकाल ठीक है चलो यार अपराजिता प्लीज टेल फॉर यूके जुडिशरी यूके जुडिशरी के लिए ऑलरेडी कुछ कुछ चीजें बता चुका हूं प्लस जीके से रिलेटेड शुभम सर भी आ, कुछ वीडियोस ला ही रहे हैं सो वो सारी चीजें यूके जुडिशरी में कवर हो रही है बेटा ठीक है यार सीपीसी पता CPC है सीपीसी बहुत ईजी है इट्स जस्ट दैट सीपीसी क्योंकि हमें थोड़ा सा बोरिंग वाला एंगल लगता है ना सिविल नेचर का हो जाता है इसलिए कुछ उसमें हैपनिंग नहीं है इसीलिए हल्का बोरिंग लगता है CRPC. CRPC ट होता है क्योंकि सीधे चार सौ चौरासी सेक्शन पढ़ने वहां पे आपको सीपीसी में ऑर्डर से डर लगता होगा आपको सेक्शन से कभी डर नहीं लगेगा ऑर्डर से डर क्यों लगता है क्योंकि भैया पचास इक्यावन ऑर्डर है ठीक वो सारे ऑर्डर आपके काम के नहीं है कुछ ही ऑर्डर हैं जिनको आप अगर सेक्शन से कनेक्ट करके साथ साथ में पढ़ते चलोगे तो आपको 157, 158 जितने भी सेक्शन हैं उसके बाद अलग से ऑर्डर नहीं पढ़ना चाहिए दैट इज रॉन्ग आप ऑर्डर्स के आई I मीन mean, आप सेक्शन के साथ जब ऑर्डर पढ़ते हैं तब आपका पूरा सीपीसी प्रॉपरली चलता है ठीक सो दैट इज द राइट वे ऑफ रीडिंग एनी कॉन्सेप्ट हो या रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो रिजेक्शन भी वहीं पढ़ लो रिटर्न भी वहीं पढ़ लो काउंटर क्लेम भी वहीं पढ़ लो सेट ऑफ भी यहीं पढ़ लो ये सारी चीजें साथ में चलती है अब क्योंकि साथ में चलती है ना ये सीआरपीसी के कंपेरिजन में ज्यादा ईजी होता है सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट ओके टीपीए से भी दो क्वेश्चन थे हाँ चलो देखते हैं देखते हैं बस 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 ये ये जो ये जो बच्चे होते हैं ना कि सर मेजर डिमांड सर ये आ रही है ठीक है मेजर डिमांड से कुछ नहीं होता ठीक है चलो प्लानिंग वानिंग भी कोई चीज होती है यहाँ पे भैया नेक्स्ट पेज कैसे आएगा पेजेस ओके ठीक है फेयर यार एक तो ये नया कुछ आ गया है हिसाब किताब ठीक है सो सारथी बात चल रहा है हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना है यार वरना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा उसमें ठीक ठीक है यार होती है हो जाती है कभी कभी ओके okay, सो so सारथी बैच चल रहा है उसमें मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को सीआरपीसी देवाशीष सर का सीपीसी चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं अर्जिता मैम एंड शुभम द्विवेदी सर का जीके चल रहे हैं ठीक है, है? शुभम द्विवेदी सर अभी आप लोग के लिए और कोर्सेज भी लाने वाले हैं जीके के सो डू डू वॉच देम डू एनरोल फॉर द पीसीएसजे जे एग्जामिनेशन क्योंकि शुभम सर पीसीएसजे के एग्जामिनेशन के हिसाब से सारे कॉन्सेप्ट कवर करने वाले ठीक चलो नेक्स्ट चलते हैं। पेज चेंज जनरली लोगों को लगता है कि सर ये टीपीए काफी ज्यादा बोरिंग कॉन्सेप्ट है बोरिंग सब्जेक्ट है इसमें मजा आता नहीं है मजा इसलिए नहीं आता क्योंकि टीपीए को हम लोग मजे से पढ़ते नहीं है ठीक है ज्ञान ना दे ठीक है ज्ञान ना दे मत करें पढ़ाई कर ले फोकस ठीक चलो सबसे पहले टीपीए पे आते हैं टीपीए कौन से ईयर का भाई टीपीए के साथ ईयर लगता है अठारह ठीक है एटीन एटी का है इसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है यार? कोई बताएगा मुझे वॉट इज द एनफोर्समेंट डेट ऑफ टीपीए कब लागू हुआ था बताइए मित्रों अरे बहुत बोरिंग नहीं है इंटरेस्टिंग है बताऊंगा मैं पढ़ा रहा हूं ना भरोसा तो रखो एक जुलाई ठीक है? है।, yes. है एक जुलाई अठारह को ये फेयर ठीक है सर बोरिंग सब्जेक्ट आप ही कराए मौत आ जाएगी वरना हमारी यस एनफोर्समेंट डेट है एक जुलाई अठारह सो बयासी एक जुलाई अठारह सो

जम्मू एंड कश्मीर के राज्य पे ठीक कीप दैट माइंड ओके नाउ अंडरस्टैंड दिस कि टीपीए इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट इफ यू एक्चुअली गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड भाई टीपीए का कॉन्सेप्ट एक्चुअली सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कनेक्टेबल है हमारे पूरे जीवन से भाई देखो आप जब तक मेजोरिटी की एज में नहीं आते तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ठीक मर्डर करना किसको किसका ही शौक होता है यस yes. अब ऐसी स्थिति में अगर आप देखो तो टीपीए ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है ठीक है टीपीए ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसका फंक्शनैलिटी आप अपने जीवन में जब से आपका जीवन शुरू होता है और जब तक खत्म होता है तब तक आप टीपीए को देखते हो क्यों क्योंकि टीपीए को समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है टीपीए का सिंपल मतलब है ट्रांसफर ठीक अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है तो किसी ना किसी टाइप से होगी सिंपल है अब भाई कैसे होगी आपको कि किसी प्रॉपर्टी को लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी कोई बाइक है ठीक अब वो आपके दोस्त ने मांगी कि भाई जरा अपने बाइक की चाबी दे दे या बहन जरा लेट्स से फॉर एग्जांपल अपनी कार की चाबी दे दे यही होता है ठीक अब आप क्या कर सकते हो ऐसी स्थिति में अगर आपके दोस्त ने आपसे कार मांगी या लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपसे बाइक मांगी आप क्या करोगे आप उन्हें चाबी दे दोगे अगर वो दोस्त जो है वो लकड़ अगर लेट से फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो कि अच्छा व्यक्ति नहीं है तो आप उसे कार की चाबी या बाइक की चाबी देने से मना भी कर सकते हो आपको मालूम है कि मैं इसको बाइक दूंगा ये मिनट बोल के पचास घंटे में वापस देगा ठीक और टैंक फुल जाएगा और एम ऐसे ऐसे एम पे मिलेगा मेरे को तो इसलिए मैं गाड़ी की चाबी तो नहीं दूंगी ठीक लेकिन ध्यान से समझना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तब वर्क करता है जब पार्टीज ये डिसाइड कर ले कि हां हम अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर करने को तैयार है ठीक है हम अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए तैयार है जिस दिन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की बात दोनों पार्टीज ने डिसाइड कर ली उस दिन से लागू हो जाएगा टीपीए खता ठीक तो सबसे पहला रूल क्या सबसे पहला रूल ये कि जब पार्टीज डिसाइड करती हैं तब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल होता है पार्टीज ने डिसाइड नहीं किया तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा रूल नंबर वन मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमेशा कब वर्क करता है एक्ट ऑफ पार्टीज पे पार्टीज ने मन बना लिया है कि भैया हम तो अपनी प्रॉपर्टी को बेचेंगे बेच देंगे ठीक तो ठीक है भैया बेच दो चैप्टर नंबर थ्री यही तो बताता है जो भी प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास मान लो तुम्हारी कोई जमीन है तुम्हारा कोई लैंड है तुम्हारी कोई बिल्डिंग है तुम्हारा घर है तुम्हारे पास और कोई गोडाउन है वो कोई भी संपत्ति इमेजिन करो इमेजिन करो खुद को थोड़ा सा अमीर सोचो गरीबों सोचो और अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये जो मेरा घर है मैं इस घर को बेचना चाहता हूं तो बेच सकते हो सेल कर देना उसकी ठीक है अब लेट से फॉर एग्जांपल लेट से फॉर एग्जांपल कि माला माल वीकली के परेश रावल की तरह तुम्हें ये लगा कि यार मैं सामान बेच नहीं सकता क्योंकि दिल के बहुत करीब है तो मैं काम करता हूं ना इसको कुछ समय के लिए गिरवी रख देता हूं प्रॉपर्टी को गिरवी रख देता हूं गिरवी रख के पैसा मिलेगा काम चला लूंगा पैसे लौटा दूंगा प्रॉपर्टी वापस ले लूंगा तो दूसरी चीज क्या कर लोगे भाई तुम कर लोगे मॉटगेज इससे ज्यादा क्या ठीक इससे ज्यादा क्या गेज करोगे ना? ठीक अब जब सेल हो गया अल्टीमेटली देखो ध्यान से अगर सेल हो गया, गेज हो गया, गया, तो तीसरी चीज तीसरा तरीका क्या हो सकता है तीसरा तरीका हो सकता है कि भैया किसी व्यक्ति को अपने घर पर रख लिया जाए किराएदार लीज पे रख लो ठीक चौथा तरीका प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का क्या चल भाई तू भाई भाई ये प्रॉपर्टी तेरे से बड़ी है क्या या बहन ये संपत्ति ये शानो शौकत ये जायदाद पूरी तुमसे बड़ी है क्या मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं संपत्ति से थोड़ी ना रख ली गिफ्ट सिंपल एज एट ठीक सॉरी दिस इज सेवन एक्सचेंज भी आता है बीच में ठीक है इसके बीच में एक छोटा सा एक्सचेंज कि हां एक प्रॉपर्टी एक हाथ से दो दूसरी प्रॉपर्टी दूसरे हाथ से ले लो दिस इज एक्सचेंज और लास्ट में आ जाता है आपका सीधा सिंपल सा एक्शनेबल क्लेम एक्शनेबल क्लेम एक बहुत ही बोरिंग कॉन्सेप्ट है और इसको अपन लोग अभी शॉर्ट में निपटाएंगे ठीक तो किसी भी संपत्ति पे अगर आपका अधिकार है किसी भी प्रॉपर्टी पे हाँ सिक्स इज एक्सचेंज फ्लो फ्लो में लिख दिया किसी भी प्रॉपर्टी पे अगर आपका अधिकार है तो आप किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो सामने वाली पार्टी मान मान गई चलो ठीक है तुम मान गए कि मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी देने को तैयार हूं बेचना चाहता हूं तो बेच दूंगा भाई चैप्टर थ्री में वही दिया है ठीक वो घर मैं तुम्हें किराए पे देना चाहता हूं ताकि तुम यशराज बैनर की कोई मूवी की शूटिंग कर लो तो भैया लो

अब एक काम करो ये लंदन का जो मैंशन है तुम रखो और हॉलीवुड वाला घर मेरे को दे दो भाई सिंपल बात एक्सचेंज कर लेंगे ठीक जब गिफ्ट करने की बात आई तो मैंने प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी और एक्शनेबल अलग अलग पंचायत है इसकी ठीक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर टीपीए में इन्हीं तरीकों से हो सकता है सिंपल एज दैट और एक अगला बहुत बड़ा भयंकर सवाल कि भाई क्या टीपीए विल के ऊपर एप्लीकेबल होता है वसीयत पे क्या आपका टीपीए लागू होता है सिंपल सा सवाल अब बता दो भाई ठीक है बताइए अच्छा कुशा इससे कि सर मेरे को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दो मैं आपकी बहन हूं अरे सभी मेरे भाई बहन है भाई पक्का आप बताओ आपको कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए कुशा आपके नाम कर दी ठीक नो एग्जैक्टली नो मीनस नो विल पे आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता क्यों क्योंकि जो विल है या जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो कब वर्क करता है अभी बताया बाय बाय एक्ट एक्ट ऑफ ऑफ पार्टी मतलब दोनों पार्टीज की इच्छा से दोनों पार्टीज की अनुमति से दोनों पार्टीज की अनुमति कब होगी जब वो जीवित होंगी जब वो जिंदा होंगी जब वो टेना बोल गई हो ठीक तो ऐसी स्थिति में जो भी टीपीए का ट्रांसफर होता है वो लिविंग बींग्स के बीच में होता है यानी कि सीधा भाई अगर किसी व्यक्ति ने वसीयत बनाई ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है पन्ना लाल जोहरी पन्ना लाल जोहरी ने एक वसीयत बनाई ठीक एक विल बनाई और उस विल में उसने तीन अपने से फॉर एग्जांपल तीन उसने डिपेंडेंट्स रखे या तीन उसने लेगेटीज़ रखे जिनको वसीयत से प्रॉपर्टी मिलेगी एक उनका सबसे लाडला और सबसे प्यारा बेटा एंटरटेनमेंट दूसरा उनका नालायक अक्षय कुमार नाम का बेटा अखिल और तीसरा अखिल का सर्वेंट और कपिल शर्मा से जलने वाला जुगन ठीक अब तुमने चचा एक विल बनाई है

सिंपल एज दैट दैट इट दैट इट इतना कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक तो ये पॉइंट हो गया दूसरे नंबर पे चलो दूसरे नंबर पे चलो एग्जैक्टली एग्जैक्टली एब्सोल्यूटली करेक्ट अनूप करेक्ट 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 ठीक एग्जैक्टली फेयर अब देखो यह तो एक बेसिक फंडामेंटल हो गया उसके बाद जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को पढ़ना शुरू करते हो तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पहले ही आपको जनरल प्रोविजंस बता देता है अगर टीपीए की स्कीम देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि टीपीए बेसिकली इंडियन कोड जैसा है टीपीए का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना वो इंडियन पीनल कोड जैसा है इंडियन पीनल इंडियन पीनल कोड क्यों क्योंकि इंडियन पीनल कोड में शुरू शुरू में क्या दी हुई है डेफिनेशन दी हुई है डॉक्ट्री दी हुई है पनिशमेंट दी हुई है और अपना डिफेंसिस दिए हुए हैं उसके बाद ऑफेंसेस शुरू होते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट और वहां से है ना सेम स्कीम सेम थ्योरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी लगती है अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का आप स्ट्रक्चर देखो तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वर्क कैसे करता है चैप्टर वन जो है वो प्रिलिमिनरी ज्ञान देता है ठीक है सेक्शन 4 तक टिल सेक्शन नंबर 4 ठीक उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपको डॉक्ट्रीज बताता है थ्योरीज बताता है कॉन्सेप्ट समझाता है कैसे भाई एक हिस्सा हो गया सेक्शन फाइव टू थर्टी सेवन जो कि लागू होता है बोथ एंड प्रॉपर्टी पे ठीक और दूसरा हो गया आपका सेक्शन नंबर थर्टी एट से लेकर के जस्ट सेकेंड, सेक्शन नंबर थर्टी एट से लेकर के फिफ्टी थ्री ए तक का एरिया जो कि सिर्फ और सिर्फ

अब जरा इसको अपने दिमाग में बहुत सिंपल प्रोसेस के थ्रू बिठाओ समझाओ खुद को कि सेक्शन नंबर फाइव से लेकर के जो पूरी स्टोरी शुरू होती है वो तो फ्लो है ना दैट इज बेसिकली फ्लो एंड नथिंग एल्स नथिंग नथिंग एल्स सिर्फ फ्लो है फ्लो को पकड़ो फ्लो कैसे पकड़ोगे अच्छा चलो ध्यान से देखना फ्लो पकड़ा देते हैं पहले टीपीए का फ्लो समझ लिया ना उसके बाद टीपीए हलवा है कैसे भाई देखो देखो ध्यान से समझना सबसे पहले तुम्हें ये डेफिनेशन वगैरह फालतू की बातें बता दी ठीक उसके बाद ये बोल दिया कि भैया ये जो ट्रांसफर होगा वो वाइव चलेगा सेक्शन नंबर फाइव ठीक उसके बाद सबसे पहले तुम्हें ये बता दिया कि यार ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये कौन कौन सी ट्रांसफर हो सकती है कौन कौन सी नहीं हो सकती है तो सिक्स जो है उसका नाम पॉजिटिव है लेकिन उसके कॉन्टेंट नेगेटिव है ठीक

तो उसका इफेक्ट क्या होगा उसका ऑपरेशन क्या होगा ठीक फिर आपको यह भी बता दिया गया अच्छा ओरल ट्रांसफर हो सकता है क्या हाँ जी ओरल ट्रांसफर भी हो सकता है लो ठीक अब यहां तक की कहानी समझो छे सात आठ नौ भाई सिंपल तरीके से आपको यह बता दिया गया कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है व्हाट में भी ट्रांसफर्ड क्शन नंबर नाइन तक का एरिया खत्म फ्लो है बहुत सिंपल फ्लो है इसके बाद सेक्शन नंबर टेन इलेवन टी लव बर्ड लव ट्राइंगल क्या बोलता है भाई टेन इलेवन ट में सीधे सीधे यह बता दिया गया अभी हम लोग पढ़ेंगे 10, 11 और 12 की जो पूरी की पूरी थीम है ना 10, 11 और 12 की थीम, पूरी तरीके से वो अपने खिलौने के साथ क्या करता है एक आप किसी बच्चे को किसी भी बच्चे को एक ट्रेन दो आप ठीक है ट्रेन होती है छुप छुप गाड़ी थॉमस द टैंक इंजन आप उसको एक ट्रेन दो वो बच्चा क्या करेगा उस प्रॉपर्टी का भाई खेलेगा ठीक है कोई दोस्त होगा उसका उसको गिफ्ट दे देगा ठीक है क्या करेगा तोड़ देगा उसको खोल डालेगा पूरी गाड़ी को ठीक या कचरे के डब्बे में फेंक आएगा जैसे कि कभी कभी हम लोग लेट्स फॉर एग्जाम्पल जहां से हमारे छोटे भाई बहनों को उठा के लाते हैं उसी कचरे के डब्बे में ठीक अब ध्यान से समझना ध्यान से समझना टेन इलेवन ये जो तीनों सेक्शंस हैं ये राइट से डील करते हैं तो डाय और फ्रू एंड डाय सिंपल भाई देखो तुम प्रॉपर्टी को इस तरीके से किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते अब मतलब राइट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी ठीक देखो जी तुम्हें तुम तुम्हेंटी देखो प्रॉपर्टी पे तुम रह तो सकते हो लेकिन आठ बजे के बाद तुम घर में नहीं आ सकते हाँ। तो ये क्या हो गया यू टेन डाय यूज तो करोगे लेकिन रेस्ट्रिक्शन है ठीक यू टेन डाय मतलब राइट टू यूज द प्रॉपर्टी ठीक और फ्रू एंड फ्रू एंड मतलब बेटा इस प्रॉपर्टी के जो बेनिफिट है ऐसे कभी आपको छींक आ रही हो और वो रुक जाना तो छींक बोल देना छींक आ जाएगी ठीक क्योंकि इरिटेटिंग हो जाता है फ्रू एंड मतलब राइट टू यूटिलाइज द बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी ठीक है राइट टू यूटिलाइज द बेनिफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी अब समझना सिंपल फ्लो है

बारह में बोल दिया गया कि देखो बेनिफिट तुम तब तक ही उठा सकते हो जब तक तुम विजय सॉरी दिवालिया नहीं घोषित कर दिए जाते खत्म खेल यही है दस ग्यारह बारह खत्म दैट्स इट हो गया फ्लो यही है और कुछ नहीं है यही है पूरा दैट्स इट अगले, अगले पे चलो चलो अब तुमसे मैं एकदम ये जो वो मोदी जी ऐसे पूछे ना कि वाह कितने मेधावी लोग हैं अब जरा मुझे यह बताइए क्या एक अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर किया जा सकता है अनबॉर्न पर्सन को कैन अ ट्रांसफर बी मेड कैन अट ट्रांसफर बी मेड ध्यान से सुनना क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनना उसके बाद आंसर लिखना कैन अट ट्रांसफर बी मेड टू एन अनबॉर्न पर्सन बताओ जस्ट टेल मी हा वाह क्या सीन है अरे गधों हे राम बस बस कर दी गलती कर दी गलती बहुत बढ़िया yeah, ये ये देखो 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 गलती पे गलती गलती पे गलती किए जा रहे लाइन से गलती पे गलती किए जा रहे अरे चचा बस बस हमने सोचा कि यार शुभम सर को डिसअपॉइंट किया जाए कैसे कि कर दें डिसअपॉइंट ऐसे करके देखते हैं अबे कभी भी अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफर नहीं होता है द आंसर इज नो ये देखी है, है छलांग में वो बोलता है ना दूसरा वाला कोच मुच्छड़ तुम्हारी टेक्निक गलत है तुम्हारी टेक्निक गलत है इसीलिए तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है सेक्शन थर्टीन में सेक्शन थर्टीन का टाइटल पढ़ चल फटाफट सेक्शन थर्टीन का टाइटल पढ़ते हैं जल्दी क्विकली जस्ट लुक एट सेक्शन नंबर थर्टीन क्या बोल रहा है ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन एग्जैक्टली ट्रांसफर टू अनबोर्न पर्सन जैसी कोई चीज ही नहीं होती अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ तुम मोहल्ले में मिठाई बांट रहे हो जबरदस्त थी कुछ भी अब ट्रांसफर टू अनबोर्न पर्सन जैसी कोई चीज नहीं होती दिस इज बुलशेट सिंपल एज इट इज सिंपल एज दैट क्यों भाई हमारे साथ कॉन्सेप्ट क्या चलता है हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी कभी भी चाइल्ड को ट्रांसफर नहीं होती सेक्शन ट्वेंटी यही चीज तो बताता है सेक्शन ट्वेंटी ये बोलता है कि भैया प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को तब मिलेगी जब वो पैदा हो जाएगा जब वो जीवित व्यक्ति सांस ले लेगा ना बच्चा ठीक है जब उसको डॉक्टर उठा करके ऐसे उसको पटपट -पट, पट मारेंगे ना तब उसके बाद उसे प्रॉपर्टी मिलेगी अदरवाइज उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलती ठीक है ये आपको बताता क्या है सेक्शन नंबर थर्टीन आपको ये बोल देता है कि भाई देखो ट्रांसफर कैसे होगा जीवन से जीवन की शुरुआत ट्रांसफर की बात तो सेक्शन नंबर थर्टीन ने आपको यह बता दिया कि भाई ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि किसी अजन्मे बच्चे को आप कोई संपत्ति ट्रांसफर करो तो आप उस व्यक्ति को संपत्ति ट्रांसफर कर सकते हो ठीक है सिंपल कंडीशन एक ही है जो यहाँ पे सारे मेधावी छात्रों ने लिख दिए क्या भाई कि एक प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा बस खत सिंपल प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा भाई सीधा सा हिसाब है ये ग्रैंडफादर हैं ठीक है ग्रैंडफादर है ग्रैंडफादर ने कहा कि भैया एक काम करते हैं एक एक्स पर्सन है उनके बेटे हैं ठीक है इनके बेटे यानी फादर ठीक फादर को भी जो सन है या डॉटर है वो पैदा नहीं हुआ है मतलब अभी वो बनेंगे बाप बनेंगे ठीक ग्रैंडफादर ने कहा कि भैया देखिए ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी हम हमारे पोता या पोती को ट्रांसफर करना चाहते हैं हम बस आपको इतना बोल रहे हैं कि जब तक वो बच्चा पैदा नहीं होता तब तक आप उस प्रॉपर्टी पे रखें प्रायर इंटरेस्ट प्रायर इंटरेस्ट या लाइफ इंटरेस्ट ठीक आप लाइफ इंटरेस्ट रखें आपके जीवन काल में अगर वो बच्चा पैदा हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी उस बच्चे को मिल जाएगी सो ट्रांसफर इज मेड बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर और फॉर द बेनिफिट ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड एंड नॉट टू द अनबॉर्न चाइल्ड पहले तो यह फोर और टू का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो दिमाग में ठीक आई होप यह चीज यहां पर क्लियर हो गई ठीक एक पॉइंट तो ये दूसरी चीज दूसरी चीज यह है कि उस बच्चे में इंटरेस्ट वेस्ट कब करता है कब उस बच्चे को हम बोलते हैं कि इस बच्चे में जो भी हित है संपत्ति का जितना भी अधिकार है जितना भी हित है वो इस बच्चे में कब सम्मिलित होगा या उस बच्चे में कब निहित होगा वो तब निहित होगा जब वो बच्चा क्या हो जाएगा पैदा हो जाएगा, जब उसकी बर्थ हो जाएगी ठीक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कनेक्टेड हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर फोर्टीन को ठीक अभी मैं सेक्शंस पढ़ा नहीं रहा हूं अभी मैं सिर्फ आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूं एक फ्लो एक बता रहा हूं ठीक सेक्शन नंबर फोर्टीन क्या बोलता है कि भैया देखो ऐसा है प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर सकते हो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर सकते हो लेकिन शर्त यही है कि भाई देखिए आप सकते ठीक पर है परपींचुटी में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते परपीचुटी में प्रॉपर्टी को कर ट्रांसफर करने का मतलब कि भैया उपाध्याय खानदान के पास अगर बुलेट है तो यही बुलेट यही सेम बुलेट रॉयल एनफील्ड जो है ये मेरा पढ़ 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 पोता जो होगा वो ये बुलेट इस्तेमाल करेगा हैरी पॉटर में एक व्यक्ति है जिनका नाम है स्लिदरिन। ठीक है उन्होंने क्या बनाया उन्होंने बनाया एक तहखाना चेंबर चेंबर ऑफ सीक्रेट्स बोल दिया इसको ठीक उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब आज से आज से दो हजार साल बाद ठीक है आज से दू हजार साल बाद जो हमारा पर 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 पोता पैदा होगा उसको ही संपत्ति मिलेगी ये लंडन में चल जाता है यह इंडिया में ना चल बेगा। समझ में आया यही है है यही आप अपनी प्रॉपर्टी को परपीचुअली ट्रांसफर नहीं कर सकते आप अपनी प्रॉपर्टी को इनडिफिनिट टाइम के लिए अपने ही कंट्रोल में या अपने ही वचन के कंट्रोल में नहीं रख सकते कटप्पा याद है कटप्पा के जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया था उन्होंने माहेशमती साम्राज्य को वचन दे दिया था कि भैया जितने भी जितने भी यहां पे हमारे कुल में जितने भी टकले पैदा होंगे ना सारे तुम्हारे माहेशमती साम्राज्य के लिए काम करेंगे ऐसा रूल कोई वैलिड नहीं होता क्यों नहीं होता भैया दिस इज अगेंस्ट द रूल ऑफ परपीचुटी सेक्शन फोर्टीन यही बोलता है कि भाई आप अनंतता के लिए या अनंत काल के लिए या इनफाइनाइट पीरियड के लिए अपनी संपत्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते क्यों प्रॉब्लम क्या है परपीचुटी में प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर हो तो कैन समबी टेल मी इन द चैक बॉक्स वॉट इज द प्रॉब्लम इफ अ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड इन परपीचुटी वॉट इज द प्रॉब्लम इशू क्या है एग्जैक्टली दैट्स ट्रू वाई कैन अ प्रॉपर्टी बी ट्रांसफर्ड फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम सिंपल प्रॉब्लम क्या है भाई मैंने कमाई कोई संपत्ति फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई फॉर एग्जाम्पल कोठी खड़ी की है ठीक है कोई मैं बनाया मैंने महल बनाया मैंने ठीक तो क्या प्रॉब्लम है अगर मैं ये चाहता हूं कि ये अगली दस पुश्तों तक उपाध्याय खानदान में ही रहे क्या गड़बड़ है एग्जैक्टली वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हाँ देखो सारे सही आंसर्स परफेक्ट परफेक्ट यही यही दिमाग चाहिए वेरी गुड पर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू घटे चाहे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़े चाहे उस पे किसी देश की फाइनेंस मिनिस्टर परसेंट का टैक्स लगा दे, तो खोता है यार कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ही नहीं कर सकते यह मेन प्रॉब्लम है परपीचुटी का कि भाई अगर लेट से फॉर एग्जाम्पल मैं अच्छा मेरा बेटा अच्छा मेरी बेटियां अच्छी उनके बच्चे अच्छे लेकिन अगली पांचवी पुस्त अगर नालायक निकल गई तो उसके पास तो इस संपत्ति का ही सहारा है और वो बेच नहीं सकते प्रॉपर्टी को तो गलत तो हो जाएगा ना है ना प्रॉपर्टी मेंटेन होगी मार्केट में प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर ऊपर नीचे होती है फ्लक्चुएट करती है तो द दप, पार्टी विच इज होल्डिंग द प्रॉपर्टी उसके लिए तो वो प्रॉपर्टी यूजलेस है टोटली यूजलेस है ठीक इसीलिए ठीक है गुलाबो से ताबो देख लोगे तो परपिचुटी का कॉन्सेप्ट तुम्हें अव्वल दर्जे का समझ में आएगा दैट इज योर सेक्शन नंबर अब इसके बाद आता है सेक्शन नंबर से रिलेटेड कुछ केसेस वगैरह है हालांकि वो अभी अपन देखेंगे इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है भाई वेस्टेड और कंटिजेंट इंटरेस्ट का मैंने कंडीशन बता दी अब क्योंकि वेस्टेड है ना अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी बच्चा कोई एक बच्चा है छोटा बालक है जब पैदा नहीं हुआ तो उसको मिलने वाला इंटरेस्ट कैसा है उसको मिलने वाला इंटरेस्ट कंटेंजेंट है जैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ जैसे ही उस बच्चे की क्या हुई बर्थ हुई बर्थ होते साथ ही उसे संपत्ति मिल जाएगी हो सकता पोजेशन तुरंत ना मिले पोजेशन पांच साल बाद दस साल बाद मैक्सिमम अट्ठारह साल के बाद मेजोरिटी अटेन करने के बाद मिल जाए लेकिन संपत्ति मिल जाएगी ठीक है

कि भाई कोई ऐसी कंडीशन है या कोई ऐसी कंटिजेंसी है मान लो कि लेट्स फॉर एग्जाम्पल मेरे दो भाई आई हैव गॉट टू ब्रदर्स ओके एक का नाम अपन रखते हैं क्या नाम रखें अपन एक का नाम अपन रख देते हैं चलो सोनू ठीक है एक का नाम है सोनू दूसरा है उसका नाम है भूषण ठीक है एक का नाम है सोनू

तुम्हारा जो म्यूजिक कंपनी है वो बंद हो जाती है अगर तुम्हारी म्यूजिक कंपनी कर बंद हो जाती है क्योंकि तुम्हारी जो वाइफ है दिव्या वो बेकार फालतू की फिल्में बनाती जा रही है सत्यमेव जयते टाइप की और उस चक्कर में अगर कल को तुम्हारी कंपनी बैठ गई और नोरा फतेही और गुरु रंधावा तुम्हारी कंपनी को नहीं बचा पाए अगर ऐसा हुआ अगर इनके फ्यूचर में ऐसा हुआ तो बेटा ये प्रॉपर्टी तुम रख लेना सेम ही बात मैंने सोनू के लिए भी बोल अब ये क्या है कंटिंजेंसी है कंटिंजेंसी क्यों है हो सकता है म्यूजिक कंपनी बंद हो हो सकता है म्यूजिक कंपनी बंद ना हो ठीक सिंपल दैट्स इट यही है अगर म्यूजिक कंपनी बंद हुई तो जो थी इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्या बन गया वेस्टेड और अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल म्यूजिक कंपनी बंद नहीं हुई तो भैया अगर दो साल का समय दिया था उतने में बंद नहीं हुई तो ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट वहीं कंटिंजेंट लेवल पे ही क्या खत्म हो क्या हो जाएगा

बाबू भैया बोलते हैं ना बाबू भैया ने राजू को सॉरी बाबू भैया ने हेरा फेरी में श्याम को सुनील शेट्टी को क्या बोला था कि देख मैं तेरे को किराएदार तो रख लेता हूं लेकिन वो दूर की दुकान में खंबा मिलता है खंबा मतलब दारू दारू वो खरीद के ले आ वो खरीद के लाएगा मैं तुझे अभी किराएदार रख लूंगा वो खरीद के नहीं लाएगा मैं तुझे किराएदार नहीं रखूंगा सीधा सा हिसाब कंडीशन प्रिसीडेंट हो गया हिसाब भैया कंडीशन फुलफिल करो थोड़ा ऐसे थोड़ा दारू अरु लवा हमारे लिए रख लेंगे घर पे सिंपल कंडीशन सब सीक्वेंट कि भाई घर पे रख लिया घर पे आपको रख लिया गया है लेकिन एक ही कंडीशन है बेटा एक ही कंडीशन है अगर सुबह-सुबह बाथरूम जाना है तो गायक बनना पड़ेगा क्यों बाथरूम में कुंडी नहीं ठीक और सुबह-सुबह हम लोग कोई भी ऐसा कोई किसी भी व्यक्ति को ऐसी हालत में नहीं देखना चाहते सीधा है तो ये जो रूल है ये है सबसीक्वेंट कि हमने तुम्हें किराएदार तो रख लिया लेकिन क्योंकि बाथरूम में कुंडी नहीं लगी हुई है तो डेली गाना तो गाना पड़ेगा बेटा जब भी तुम जाओ अंदर ठीक ये है कंडीशन सबसीक्वेंट दैट्स इट अब ये फुलफिल करोगे प्रॉपर्टी मिल जाएगी ये फुलफिल करोगे प्रॉपर्टी तुम्हारे पास रहेगी और मैं छीनूंगा नहीं ये है आप लोगों के कंडीशनल ट्रांसफर्स इसके बाद सिंपल फ्लो अगला आया इसके बाद अगली चीज आती है इलेक्शन इलेक्शन क्या इसको मैं एक ही, एक ही से देता हूं में भी मैंने ही था। सिंपल है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मैं आपकी जो संपत्ति है ना वो किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहा हूं और कुछ पैसे मैं आपको दे रहा हूं आप पैसे ले लो अब आपके पास चॉइस है या तो आप प्रॉपर्टी जाने दो और पैसे ले लो या फिर आप प्रॉपर्टी अपने पास रखो और पैसे मना कर दो आप ऐसा नहीं करता कि लारे बाबा पैसा ला और प्रॉपर्टी भी नहीं दूंगा यू कैन नॉट डू दैट दिस इज योर सेक्शन बीच में अपोर्शनमेंट भी आता है वो प्री में कभी कभी पूछते हैं कभी-कभी नहीं पूछते पूछतेप्टैट है नॉन हैबिट का नेमो हैबिट मतलब नो पर्सन कैन ट्रांसफर बेटर देमसेल्फ सीधा ठीक अब इसको समझो ये क्या कॉन्सेप्ट है ये यही है कि भाई अगर संपत्ति तुम्हारी नहीं है तो उस संपत्ति को तुम किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते सिंपल लेकिन मान लो लेकिन मान लो अगर कोई व्यक्ति ऑस्टेंसिबल ओनर है ठीक है ऑस्टेंसिबल ओनर मतलब हंगामा मूवी अगर आपने कभी देखी हो हंगामा मूवी में एक परेश रावल का कैरेक्टर है और उनका एक बहुत बड़ा सा घर है तिवारी करके है ये काफी बड़े बिजनेसमैन है इनका इनका नौकर है ठीक है इनका नौकर है पप्पू ठीक है पॉलिटिकल नहीं लगाना दिमाग इनका नौकर है पप्पू पप्पू पूरे घर को संभालता है और पूरी दुनिया में ऐसे शो करता है जैसे उस घर का मालिक यही है ये क्या कॉन्सेप्ट है ऑस्टेंसिबल ओनर का कॉन्सेप्ट दैट्स ऑल दैट इज योर सेक्शन नंबर फोर्टी इसके अलावा दूसरा फोर्टी कि भाई अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी संपत्ति बता करके किसी दूसरी की संपत्ति ट्रांसफर मतलब है और हम आज बोले कि देखो हम तुम्हें कर देते हमारी प्रॉपर्टी है हम ट्रांसफर करने को तैयार ठीक तुमने कहा अरे सर थैंक यू यार पैसे मैंने कहा अरे पैसे जो जो मन में आए दे दो चलो दस रुपए दे दो पचास रुपए दे दो पचास हजार दे दो पचास करोड़ दे दो जो भी देना है दे दो ठीक अब संपत्ति हमारी तो है नहीं संपत्ति तो हमारे दूर के चचा की है तो मान लो अगर कल को हमारे दूर के चचा बहुत दूर चले गए तो ऐसी स्थिति में अगर वो प्रॉपर्टी हमारे पास आई और ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ठीक ये अगर अभी भी एग्जिस्टेंस में, में है तो वो प्रॉपर्टी हमारे पास आने की बजाय आपकी तरफ वाया ट्रांसफर हो जाएगी इमीडिएटली दिस इज नोन एज फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टोपल ठीक मैंने जो आपको ग्रांट दिया था संपत्ति दी थी चचा की वो प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी मेरे शब्दों की वजह से मेरे दिए हुए वचन की वजह से आपको वापस मिल गई यानी आपके पास अल्टीमेटली पहुंच गई फीडिंग द ग्रांट बाय बाय माय बायल दिस इज योर सेक्शन नंबर फोर्टी थ्री सिंपल सा तो फ्लो है क्या डिफिकल्ट है इसमें और इतना ईजी कॉन्सेप्ट है समझ में आया प्रिलिमिनरी में प्रॉपर्टी का ज्ञान ठीक उसके बाद पहले बता दिया वही तुम्हारा सेक्शन नंबर सिक्स प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे होगी फाइव में बता दिया सिक्स में बता दिया भैया ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है ये नहीं हो सकती है उसके बाद फ्लो तुम्हें याद ही है ठीक सात आठ नौ साथ में चलेंगे दस ग्यारह बारह सात में चलेंगे तेरह से लेकर के बीस तेरह से लेकर के बाईस तक का जो पूरा एरिया है वो साथ में चलता है इक्कीस तक का जो एरिया है वो साथ में चलता है फिर पच्चीस से लेकर के चौंतीस तक का एरिया साथ में चलता है

अलादीन लिख दो भाई भाई लिख दो चमका लिख दो कुछ भी लिख दो कोई बात नहीं अंजलि अभी फीडिंग द ग्रांड बाय समझाऊंगा बेटा शॉर्ट में बताया मैंने अभी डोंट यू वरी विद इट ठीक है अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका चलिए भाई अब शुरू करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को फ्लो दिमाग में है अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हलवा है ठीक चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो आपका जो ये पूरा डेफिनेशन क्लॉज है इसमें मैं आप लोगों को और नहीं बता रहा हूं क्योंकि crash course में उससे ज़्यादा उसका यूज नहीं है पूछा नहीं जाता इसलिए हम नहीं करेंगे सीधे आते हैं सेक्शन नंबर थ्री पे इंटरप्रिटेशन क्लॉज ठीक अब जरा इंटरप्रिटेशन क्लॉज देखो यहां पे दिया हुआ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास प्रिलिमिन एग्जामिनेशन में इसी का एक क्वेश्चन एक बना के दे दिया जाता है इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी तो ये तीन ऑप्शन नीचे अब ध्यान से समझना। यहाँ पे immovable property के साथ जो जो चीज़ तुम्हें समझना जरूरी है है ठीक। का वो सीधे सीधे जुड़ा हुआ है attested और registered के बाद आओ। आपको एक concept मिलता है अटैच टू अर्थ सरफेस अटैच टू अर्थ सरफेस मीन ध्यान से देखना सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि यहां पे जो हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी में तीन चीजों को तीन चीजों को निग्लेक्ट किया है वो तीन चीजें कौन सी हैं पहला है स्टैंडिंग टिम्बर स्टैंडिंग टिम्बर दूसरा है ग्रास और तीसरे हैं क्रॉप इनको हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्यों नहीं रखा है कोई बताना चाहेगा वाई हैवेंट वी कैप्टीज थ्री Into immovable प्रॉपर्टी भाई ये भी तो जुड़े हुए ना जमीन से जुड़े हुए ठीक है 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 नवाजुद्दीन ये क्या और in भैया अब दरख्त कोई पेड़ है पेड़ तो भैया गड़ा हुआ है ना जमीन में तो इमोवेबल हुआ ठीक है ऐसे थोड़ी ना पेड़ चल के जा रहे yes, थोड़ी ना चल रही है शेक्सपियर की दूसरा ग्रास भाई घास है मतलब घास घास से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें वो तो इमोबल प्रॉपर्टी है ठीक है इट इज ऑब्वियसली इम्बेडेड इन अर्थ और रूटेड इन अर्थ यस एग्जैक्टली वेरी गुड वेरी गुड क्योंकि इनका कटना निश्चित है एग्जैक्टली दैट इज दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट स्टैंडिंग इन टेम्बर द पर्पस ऑफ टू बी यूज्ड एज स्टैंडिंग का, का काम अल्टीमेटली का होता है, इनको उगाया ही जाता है ताकि अल्टीमेटली जाए ऐसे समझ लो किबल प्रॉपर्टी के हैरी पॉटर है कि इनको पाल पोस के बड़ा इसलिए किया जाता है ताकि अल्टीमेटली इन्हें मारा जा सके तो ये होता है स्टैंडिंग टिम्बर का ठीक ग्रास क्या है भाई ग्रास किस काम आती है ग्रास हमने साइंस में पढ़ा था में इरोजन रोकने के काम आती है जो मिट्टी बह जाती है ना पानी के साथ उसको पकड़ के रखती है जकड़ के रखती है घास लेकिन उसके साथ साथ घास का एक और काम होता है क्या पॉलिटिशियंस को मौका देने का ताकि वो चारा घोटाला कर सके यानी कि फॉर्डर ठीक अल्टीमेटली घास किस काम आती है भाई गाय को खिलाने के लिए सिंपल तो अल्टीमेटली इनका पर्पस भी यही है कि इनको जड़ से तो खाड़ा ही जाएगा yes. ये तो, ये तो क्रॉप है, है, है कि उससे जो भी अनाज उगेगा उससे जो भी उपज होगी उपज को अल्टीमेटली कंज्यूम किया जाएगा ठीक अब ये तो वही बात होगी कि कि किसान ने क्रॉप उगा दिए पर फिर बोल रहा है कि नहीं यार ये तो इमोवेबल प्रॉपर्टी है अरे तो जब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या सीधा ऐसा इसीलिए ये तीन को तो हमने इमूवेबल में नहीं रखा फिर हमने डेफिनेशन देखी कि भैया इमूवेबल फिर होता क्या है इमूवेबल के लिए हमने कुछ वर्ड सिलेक्ट किए ठीक है बहुत ध्यान से देखना तीन वर्ड दिए हुए रूटेड ठीक रूटेड एम्बेडेड ठीक और तीसरा अटैच्ड साब रूटेड एम्बेडेड अटैच ठीक है okay. यहां कैसे ओके okay. ठीक है चलो संजय लीला भंसाली बाई ना ध्यान से समझना रूटेड का मतलब क्या है हर वो चीज जिसकी जड़े जो है ठीक है जिसकी जो रूट है वो कहां पर है जमीन में है यहां पे हम बात कर रहे होते हैं यहां पे हम बात कर रहे होते हैं ट्रीज की ठीक है धसी हुई है।, yes, में भी की है हर वो चीज जो कि जमीन में उसके रूट्स है हर वो चीज क्या मानी जाएगी इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी ठीक है दूसरे नंबर पे हर वो चीज जो कि जमीन में धसी हुई है धसी मतलब आपके घर में जिस कमरे में आप बैठे हो कहीं पे भी ऐसे मुंडी घुमाओ ठीक है कहीं पे भी मुंडी घुमाओ एक ना एक तुम्हें पिलर दिखेगा देखना ध्यान से वो किसी ना किसी कोने में एक पिलर है जैसे यहां पे इस तरफ है फिर जनरली एक होता है दो भी हो सकते हैं तो एक पिलर ये है एक पिलर ये है अपने कमरे में अगर ऐसे नजर घुमाओगे तो कहीं ना कहीं एक पिलर दिखेगा पिलर मतलब वो चीज जमीन में धसी हुई होती है धसी होने का मतलब है कि वो भाई प्लेन समतल जमीन पर कभी घर नहीं बनता पहले आप देखते हैं घर के लिए गड्ढा खोदा जाता है उसमें लगाए जाते हैं पिलर्स खंबे लगाए जाते हैं और उसके बेसिस पे घर बनाया जाता है तो हर वो चीज जो कि जमीन में धंसी हुई है वो क्या है वो मानी जाती है इमूवेबल प्रॉपर्टी ठीक क्योंकि उस चीज को जमीन में धंसाने के पीछे का रीजन क्या है भाई हमें इस चीज को परमानेंट पर्पस के लिए यूज करना है परमानेंट यूसेज ज द प्री रेक्ट इज द प्री रेक्ट ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी अच्छा जरा कॉमन सेंस से बताओ ये कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें समझ में आया जितने भी लोग जितने भी लोग अभी अपना न्यू ईयर मनाने के लिए कैंपिंग करने के लिए हिमाचल गए या उत्तराखंड गए मुझे जरा सिर्फ इतनी सी चीज बताना ये लोग जो तंबू गाड़ते हैं ना कैंप बोलते हैं जिसको कैंप कैंप के लिए जो तंबू गाड़े जाते हैं क्या वो इमोवेबल प्रॉपर्टी होगी कैन समबडी टेल मी इन द चैट बॉक्स बताओ जरा कैंप के लिए जो तंबू गाड़ते हैं ठीक है कैंप के लिए जो तंबू गाड़े जाते हैं वो इमोबल प्रॉपर्टी होगा क्या एग्जैक्टली exactly. अब भाई ये तो सीधा सा हिसाब है ना एग्जैक्टली दीज आर भाई सिंपल कॉन्सेप्ट है सिंपल कॉन्सेप्ट है उसको वहां पे इम्बेड तो किया जा रहा है लेकिन परमानेंट यूसेज के लिए नहीं किया जा रहा तो अगर परमानेंट यूसेज के लिए कोई प्रॉपर्टी धसाई नहीं जा रही है तो वो चीज कभी भी की ही नहीं जाएगी अब भैया वही बात है कि लोग महेंद्र सिंह धोनी जी से लड़ना शुरू कर दें कि क्यों बाबू तुम हर मैच के बाद ये एक ठो स्टंप उखाड़ के कहा ले जा रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये इम्बेडेड थी, थी नहीं चलेगा ऐसा ऐसा इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि इम्बेडेड फॉर द परमानेंट यूसेज होना चाहिए नंबर टू नंबर थ्री अटैच अब अटैच टू एनी थम्बेडेड इन अर्थ अब भाई आप लोग सीधी सी चीज है पिलर्स लगे हुए हैं उससे दीवार अटैच है ठीक दीवार है तो भैया लाइट अटैच है ठीक जितनी भी चीजें जितनी भी चीजें किसी भी ऐसी चीज से अटैच की जाएं, जो कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो चीजें भी क्योंकि परमानेंट यूसेज के लिए अटैच की गई है वो प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती है इसीलिए हम लोग कहते हैं कि घर में आपके सर के ऊपर टंगा हुआ जो पंखा है वो इस वक्त इस वक्त वो थेफ्ट का आर्टिकल नहीं है उसको खोल दिया जाए तो वो थेफ्ट का आर्टिकल बन जाएगा ये कॉन्सेप्ट है समझो इस चीज को ये तीनों तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी इमूवेबल हो सकती है रूटेड ठीक और इसी को हम लोग मूवेबल इमूवेबल से कनेक्ट कर देते हैं दैट इज द पॉइंट ठीक ना इसके बाद आगे चलते हैं टॉकिंग अबाउट वही भाई इंस्ट्रूमेंट मीन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट नॉन टेस्टामेंट्री मतलब टेस्टामेंट्री होगा तो टेस्टेटर होगा टेस्टेटर मतलब वसीयत बनाने वाला ठीक और लेगेटी मतलब जिसको लेगेसी मिलेगी जिसको संपत्ति मिलेगी वो व्यक्ति तो नॉन मतलब तो नहीं है आपके काम का नहीं है यहां पर जरूरी होते हैं टू और मोर विटनेसेस ठीक अटेस्टेड के लिए कितने टू और मोर विटनेसेस सिंपल हिसाब है एक आपने गाना सुना होगा ये चीज मैं पहले भी रैपिड रिवीजन में भी पढ़ा चुका हूं आप लोगों ने गाना सुना होगा हेराफेरी मूवी में जब भी श्याम सिग्नेचर करने के लिए जाता है जब भी श्याम को बोला जाता है सुनील शेट्टी को बोला जाता है कि चल रे बाबा तू खाली पेपर पे साइन कर रे कर रे याद आया याद आया, फिर हेराफेरी में एम्बेडेड एंड रूटेड का मतलब होता है बच्चा रूटेड मतलब जमीन में किसी चीज की जड़े हैं अब जड़े तो पेड़ की होती है इंबेडेड मतलब किसी चीज को जमीन में धंसाया गया है जैसे कि पिलर्स होते हैं बिल्डिंग्स वगैरह के खंबे होते हैं ठीक है समझ में आया हाँ ये देखो गाने का नाम लिख दिया कृष्णा ने हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी दोनों मूवीज में ये गाना बचता है गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अब ध्यान से समझो यही चीज है वहां पे दो विटनेस हैं श्याम जब सिग्नेचर कर रहा है तो वहां पे दो विटनेसेस हैं पहला विटनेस कौन है पहला विटनेस है राजू और दूसरा विटनेस है बाबू भैया और फिर हेरा फेरी अगर आप देख रहे हो तो अनुराधा भी है लक्ष्मी चिटफंड वाली ठीक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना अगर अटेस्ट करना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को तो वहां पे टू और मोर विटनेसेस लगते हैं कीप दिस फंडाइन माइंड नाउ आगे चलते हैं इसके बाद व्हेन यू टॉक अबाउट एक्शनेबल क्लेम अब देखिए एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है हर वो डेट जो कि मोडगेज के द्वारा सिक्योर नहीं की गई है यानी बेसिकली डेट्स के लिए ये concept use किया जाता है actionable claim का हालांकि जब actionable claim को हम लोग अलग से पढ़ेंगे तब भी उसको समझेंगे लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं प्रोमिनेंटली एक्शनेबल क्लेम में पूछे जाते हैं ठीक में पूछे जाने वाले जो आपके बेसिक प्रिल्स में पूछे जाने वाले एक्शनेबल क्लेम है नंबर वन इज डावर ठीक है जो मेहर होता है ना मेहर राशि उसको लेके चलते हैं दूसरा होता है मेंटेनेंस ठीक है और तीसरा होता है एनी अनसिक्योर्ड डेट और आज एक यूजीएसटी में भी क्वेश्चन आया था दैट इज डिक्री ऑफ डेट अब यह ना तो किसी मॉडगेट से सेव्ड है ना ही प्लेट से सेव्ड है किसी भी हाइपोथेकेशन पे भी लगता नहीं है मेंटेनेंस क्या है भाई मेंटेनेंस भी एक क्लेम तो है

क्लेम ये ध्यान में रखना और जब डेट के ऊपर डिक्री ही आ चुकी है तो फिर तो ये तीन चार नहीं लिखवा रहा हूं रैपिड रिविजन में लिखवाऊंगा लेकिन आई एम वेरी श्योर आपके पास होगी लिस्ट ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी राइट टू फेरी राइट टू वर्शिप ठीक है ये जो लिस्ट है पूरी की पूरी ये लिस्ट जरूर क्रिएट कर लेना लिस्ट ऑफ मूवेबल एंड इमूबल प्रॉपर्टी ये जरूर आप ये अपने से क्रिएट करिए थोड़ा सा ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं ठीक ना इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं वी टॉक अबाउट द पर्सन टू हैव नोटिस तो नोटिस के बस बेसिक क्राइटेरियाज आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन है नोटिस से मोस्टली मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स के यहां पे क्वेश्चंस नहीं आते इंटरव्यू में भी नोटिस से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं पर्सनल इंटरव्यू राउंड में आपसे नोटिस से रिलेटेड प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नोटिस कितने टाइप का होता है तो एक होता है एक होता है आप लोगों का एक्सप्रेस नोटिस ठीक है और दूसरी कैटेगरी होती है इंप्लाइड नोटिस की एक तो एक्सप्रेस हो गया दूसरा कंस्ट्रक्टिव हो गया एक्सप्रेस में ही आप लेके चलते हैं डायरेक्ट और डायरेक्ट का ही उल्टा माना जाता है ना जिसको दिलाई है प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है ठीक मैंने आपको आज ही बता दिया ये डायरेक्ट है कंस्ट्रक्टिव मतलब मैंने आप ही के किसी एजेंट को आप ही के किसी कर्मचारी को बता दिया कि भाई साहब ये जो आपकी संपत्ति है ये जो संपत्ति है ये आपकी संपत्ति मुझे बेची जा रही है ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस की तरह वर्क करता है कंस्ट्रक्टिव क्यों क्योंकि डायरेक्ट नहीं है इंप्लाइड नेचर है कि ये हो रहा है दैट्स इट ठीक अच्छा दो तीन चीजें और समझना है यहां पे दो तीन चीजें और समझने वाली क्या है कि भैया कब कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑपरेट करता है तो भैया रजिस्ट्रेशन के थ्रू हो जाता है भाई अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो दिस इज ऑब्वियस दिस इज ऑब्वियस

टू और थ्री को बस ध्यान से पढ़ लेना जो ब्रॉडली कंस्ट्रक्टिव नोटिस से डील uh, करते हैं एंड दैट इज इट फॉर द प्रिलिमिनरी एंगल ऑफ द ऑफ नोटिस ठीक उसके बाद हम लोग आते हैं इनके सेक्शन नंबर पे अगेन जो भी आपको यहां पे समझाया नहीं गया और कॉन्ट्रैक्ट्स में समझाया गया है कॉन्ट्रैक्ट में जाके समझ लो ये चीज बोलता है सेक्शन नंबर फोर उसके बाद आता है आपका सेक्शन नंबर फाइव सेक्शन नंबर फाइव हमने ऑलरेडी अभी स्टडी किया था दैट इज कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो ट्रांसफर होते हैं वो इंटरवाइवोस वर्क करते हैं यानी नेचर में नहीं वर्क करते अब सेक्शन से एक सवाल और बनता है एग्जामिनेशन में कि मान लो मान लो अगर कोई व्यक्ति खुद को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है कैन ही डू इट ये एक सवाल बन जाता है भाई देखो विल पे एप्लीकेबल नहीं होता एक्ट ऑफ पार्टीज पे एप्लीकेबल होता है डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है वाइवोज वर्क करता है ये ये सारे छोटे-छोटे आपको से 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 मिलेंगे। एक ये सवाल भी section 5 से, में बड़े मजे से पूछा जाता है। क्या कोई व्यक्ति खुद को संपत्ति कर सकता है? बताओ जरा नोटिस एक्चुअल नोटिस वन एंड द सेम थिंग कैन पर्सन ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ सिंपल सवाल यस yes. परफेक्ट ठीक है, ठीक, सो सिंपल हो सकता है कैसे कर सकता है ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है भाई और क्या सीधा सा हिसाब ठीक है और यहां पे हम पर्सन में कौन से पर्सन को ले रहे हैं कि कोई व्यक्ति खुद को ट्रांसफर करे तो वो व्यक्ति विशेष क्या माना जाए भैया वैसा ही जैसा सेक्शन 11 आईपीसी में देख लेते हैं कि यहां पे पर्सन इंक्लूड्स कंपनी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट ठीक सिंपल सा हिसाब ट्रस्ट क्रिएट करके अपने आप को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती कि भैया प्रॉपर्टी पे ट्रस्ट क्रिएट किया खुद को ट्रस्टी बना दिया प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई ट्रस्ट के इंटरेस्ट में ठीक यह हो गया आपका ट्रांसफर टू हिमसट यह चीज आपको बताई जाती है यह चीज आपको बताई जाती है अंडर सेक्शन नंबर फाइव ठीक उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेक्शन नंबर सिक्स पे जो ये बताता है कि वॉट प्रॉपर्टी में भी ट्रांसफर्ड ठीक तो वॉट प्रॉपर्टी में भी ट्रांसफर्ड के लिए एक छोटा सा निमोनिक है ठीक है एक छोटा सा निमोनिक है उसको लिख लो एच आर ई आई एम एस पी एस ठीक है नॉट नॉट ठीक हर एक इंसान में आ, आ, आ गया एच आर थोड़ा इसको अच्छा अब अब नहीं हटोगे बेजती है अरे, 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 अरे। गायब ही हो गया क्या ये तो जादू हो रहा है रुको थैंक गॉड अभी सौ लोगों के सामने बेइज्जती हो रही थी निन्यानवे ठीक सो वेन यू अंडरस्टैंड दिस जस्ट राइट दिस डाउन एच आर ई सिंपल है हर एक इंसान में सरलता पवित्रता और समता नहीं होती मतलब नहीं होती खत्म दिस इज योर सेक्शन नंबर सिक्स बस हो गया खत्म यही है सेक्शन नंबर सिक्स हर एक इंसान में सरलता पवित्रता और समता नहीं होती मतलब नहीं होती खत्म अब इसी टोन में सब पूरे सेक्शन को याद करो सेक्शन क्या बोलता है देखो इसको रीड करेंगे अपन इसको पढ़ना

उसकी वो प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं मिली है मिल जाएगी मिल जाएगी कि तुम्हें हो सकता है भाई देखो एक एक व्यक्ति है उनका एक ही लड़का है ठीक मान लो एक व्यक्ति है जैसे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है जिनका नाम है आ, क्या नाम है उनका खुर्रम शाहजहां एक है भाई आशिक शाहजहां है इनका एक ही लड़का है मान लो इनका एक ही लड़का है कौन है भाई लड़का इनका एक ही लड़का है औरंगजेब ठीक इनका लड़का है औरंगजेब ठीक है अब ध्यान से समझ भाई अल्टीमेटली शाहजहां की सारी प्रॉपर्टी उनके लड़के औरंगजेब को ही मिलेगी लेकिन अभी जो है ना जो हमारे बादशाह हैं, शाहजहां साहब वो अब मर नहीं रहे हैं ही इज नॉट डाइंग ठीक और ये जो हमारे पप्पू हैं युवराज हैं

चार बच्चे एक का नाम है दारा दूसरे का नाम है सुजा तीसरे का नाम है मुराद और चौथे का नाम है औरंगजेब अब देर इज चांस कि आपको इस पूरे के पूरे साम्राज्य में एक ना एक छोटा मोटा हिस्सा मिल जाएगा समझ में आया? देर इज अ चांस दैट यू कैन बिकम अ लेगेटी ऑफ द एंटायर किन ठीक है उस खानदान में उस पूरे के पूरे क्लैन में तुम्हें कोई हिस्सा मिल जाएगा इसकी आशंका है लेकिन मिला नहीं है अब चाहे तुम इकलौते लड़के रहो चाहे पूरे फैमिली में रहो दोनों ही स्थिति में जो इंटरेस्ट मिला नहीं वो इंटरेस्ट तुम ट्रांसफर कर नहीं सकते This is your clause number A. इसके बाद आते हैं क्लॉज नंबर बी पे ठीक है नाउ लेट्स अबाउट क्लॉज नंबर बी अब क्लॉज नंबर बी देखिए किस बारे में बात करता है एक एक करके हम हटाते जाएंगे इसको ठीक नाउ टॉकिंग अबाउट क्लॉज नंबर बी

मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दे रहा हूं अगर तुमने इस पर बिना पूछे मेरे से कंस्ट्रक्शन कर दिया ठीक तो एक रैंडम एक्स ट्रेंजर तुम्हारे घर में घुस जाएगा उस एक्स को आप ये अधिकार ट्रांसफर नहीं कर सकते ठीक एक्सेप्ट फॉर द ओनर नो बडी एल्स कैन हैव द राइट ऑफ री एंट्री हाँ ऑब्वियसली ओनर का जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है लीगल एयर है उसके पास भी अधिकार है लेकिन ओनर जिसके पास टाइटल है उसके अलावा और किसी के पास ये अधिकार नहीं होता कि ये प्रॉपर्टी पे रीएंट्री कर सके सीधा हिसाब तो ये वाला अधिकार जो है ओनर किसी भी रैंडम स्ट्रेंजर को ट्रांसफर डोमिनेंट हेरिटेज अब मैं तुम्हें ये बोलूं चलो मैं तुम्हें ये बोलूं कि यार देखो मेरे पास जो आलिशान बंगला है ना उसकी हवा पूरी तुम्हारी खुश रहे वो जो पूरा बंगला है ना उसकी हवा तुम्हारी उसके ऊपर बरसने वाला पानी तुम्हारा ठीक है उसके अंदर उसके उस प्रॉपर्टी के अंदर आने वाले सारे कबूतर और उनकी जो भी बीट है वो तुम्हारी ठीक क्या है है ना समझ में आया मैं तुम्हें बोलूं मैं तुम्हें बोलूं कि भैया ये घर मेरा है लेकिन इस घर के बगर में एक छोटा सा प्लॉट है खाली प्लॉट है गली की तरह लोग यूज करते हैं उसी पर से आते जाते रहते हैं वो प्रॉपर्टी मैं तुम्हें ट्रांसफर करता हूं उस पर ये राइट चलाने का गाड़ी चलाने का या वहां से गुजरने का राइट मैं तुम्हें ट्रांसफर करता हूं आर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द डोमिनेंट हेरिटेज मतलब अगर मुझे अपने खाली प्लॉट का कुछ हक बेचना है हक भी क्या इजमेंट वाला कि भैया खाली प्लॉट पे जो हवा है ना वो तुम्हारी खाली प्लॉट पे जो पानी गिर रहा ना वो तुम्हारा खायरली प्लॉट पे जो सूर्यदेव अपनी रोशनी बरसा रहे हैं वो तुम्हारी अरे तो चचा ये घर भी तुम्हें बेचना पड़ेगा क्योंकि ओनर पर्सनली नॉट बी ट्रांसफर्ड अब मेरी किस्मत खराब थी मेरे कर्म फूटे हुए थे कि मैंने गोविंदा की एक मूवी देख ली मनी है तो हनी है ठीक है गोविंदा की एक मूवी आई थी मनी है तो हनी है उसमें गोविंदा थे ये शायद रवि किशन थे मनोज वाजपेयी थे एक वो वो क्या नाम है है बिग बॉस में वो भी थे ठीक सेलिना जेटली थी बहुत बहुत प्रेम चोपड़ा साहब थे अब प्रेम चोपड़ा साहब ने क्या किया प्रेम चोपड़ा साहब ने अपनी संपत्ति उठा करके पूरी की पूरी ट्रांसफर कर दी इन पांच छह लोगों को ठीक उन्होंने क्या किया उन बहुत बड़े बिलियनर एकदम रिच पर्सन 1200 करोड़ की पूरी प्रॉपर्टी फैक्ट्रियां जो थी कपड़ा बनाने वाली टेक्सटाइल वाली सब इन छह लोगों के नाम कर दी छह रैंडम स्ट्रेंजर्स के नाम कर दी अब जरा ध्यान से समझो ये लास्ट पॉइंट पॉइंट बोलता बोलता क्या क्या मतलब जो आई वाला है वो सेज एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय हिम भाई हमने ओनर को प्रॉपर्टी क्या दी है कि भैया ये तुझे जो गिफ्ट दे रहे हैं ना ये तू तो खुद ही इस्तेमाल कर सकता है ये किसी और को नहीं दे सकता ठीक अब मैं बड़े नाजों से अपने छोटे भाई के लिए या अपनी छोटी बहन के लिए आईफोन लेकर आऊं ठीक है सॉरी मैं भूल गया था औकात में रहना जरूरी मैं बड़े नाजों से बड़े प्यार से अपने भाई के लिए अपने भाई के लिए लेट से फॉर एग्जाम्पल लावा का एक फोन लेके आऊं ठीक ओनीडा का एक बहुत बढ़िया स्मार्टफोन लेकर के आऊं चार हजार रुपए का ठीक और मैंने उसको ये लेट से फॉर एग्जाम्पल कहा कि भैया बहन जी ये आप फोन रखिए और मैं ये तो कह सकता हूं ना यार कि मैं तो ये प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहा हूं ये प्लीज मैं अपनी आधी किडनी बेच करके फोन लाया हूं ये किसी और को मत दे देना सिंपल दिस इज द दिस इज द दैट यू नीड टू कीप इन माइंड ठीक उसके बाद आता है आप लोगों का राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस सो दैट इज सिंपल अगर मेंटेनेंस आपको मिलने का कोई वो है कोई एक चांस है आपको फ्यूचर में मेंटेनेंस मिलेगा या आपको ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया गया है दैट यू आर एलिजिबल फॉर सर्टेन मेंटेनेंस आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते That is the उसके बाद आता है आपका राइट टू सू। राइट टू सू मतलब सिंपल है भाई अगर मैं किसी व्यक्ति को सू कर सकता हूं तो किसी दूसरे व्यक्ति को मैं ये अधिकार नहीं दे सकता ये सीधे सीधे कनेक्टेड है of of में हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बन सकता नो स्ट्रेंजर शेल है राइट टू सुर बी सूड इन केस ऑफ एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिंपल कॉन्सेप्ट यस yes, तो भाई ये राइट भी ट्रांसफर नहीं हो सकती उसके बाद पी देखो पी क्या है भाई पेंशन यस पब्लिक ऑफिस सॉरी पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर नॉर द सैलरी वेदर बिफोर और आफ्टर इट हैज बिकम पेबल तो भाई सिंपल सी बात है पब्लिक ऑफिस भाई अब आप जज बने हैं तो आप ये थोड़ी ना बोलेंगे कि शुभम सर शुभम सर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं शुभम सर हम आप हम आपसे बहुत प्यार करते हैं काम करिए आप आ जा हमारी जगह पे जज बन जाइए ठीक है हम दोबारा एग्जाम देखे दूसरे स्टेट में जज बन जाएंगे ऐसा नहीं होता भाई ठीक नेक्स्ट होता है एस फंडा तो सिंपल है कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है जिससे की उस व्यक्ति को जिसको हमने प्रॉपर्टी दी थी उसका ही इंटरेस्ट ब्रीच हो जाएगा तो फिर ऐसा ट्रांसफर आप नहीं कर सकते आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रहे हो जो अनलॉफुल की तरह आई है या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट से अचीव की गई है तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते ये यहां दिया है ये बस पूरा का पूरा जो निमोनिक है वो याद रखना हर एक आदमी हर एक इंसान सेकेंड हर एक इंसान में सरलता प्योरिटी समता नहीं होती ठीक दिस इज योर सेक्शन नंबर 6 सेक्शन नंबर 7 मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है पर्संस कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर सो भैया एवरी पर्सन कैन ट्रांसफर बट दैट पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड ठीक है साउंड माइंड का होना चाहिए और एडल्ट होना चाहिए तभी वो व्यक्ति ट्रांसफर कर सकता है अच्छा कोई मुझे ये बताएगा कि क्या क्या एक अनसाउंड माइंड का व्यक्ति अनसाउंड माइंड का व्यक्ति क्या ट्रांसफरी हो सकता है अनसाउंड माइंड का व्यक्ति क्या ट्रांसफरी हो सकता है याद हो गया क्या एक अनसाउंड माइंड का व्यक्ति ट्रांसफरी हो सकता है बताओ यस परफेक्ट हो करेक्ट अनसाउंड माइंड के पर्सन को आप ट्रांसफरी बना सकते हो कोई बच्चा है मान लीजिए माइनर है माइनर को आप लेट्स आप आपका नाम है जोकर ठीक है आपका नाम क्या है जोकर है आपका ही एक माइनर माइनर भाई है ठीक है उसका नाम है ब्रूस वेन आप पहली बार उससे मिलने के लिए उसके महल में गए वेन में आप गए उससे मिलने के लिए कि भाई चलो हम मिलते हैं ठीक अब आप पहली बार गए हैं वो माइनर है आप उसको कोई संपत्ति गिफ्ट करना चाहते कर का नहीं नहीं। उसमें मत जा कंफ्यूज हो जाओगे सो so, एक अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को या फिर किसी माइनर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है ठीक इनके बेनिफिट के लिए इनके बेहाफ पे कोई दूसरा व्यक्ति प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है लेकिन ये दोनों लोग एलिजिबल नहीं है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए क्योंकि सेक्शन नंबर सेवन ये बोलता है कि इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू ट्रांसफर अ सर्टेन प्रॉपर्टी यू मस्ट बी फर्स्ट एलिजिबल इन ऑर्डर मतलब यू मस्ट बी फर्स्ट एलिजिबल इन ऑर्डर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट आप जब तक कॉन्ट्रैक्ट में संविदा में ही आप uh, Uh, संविदा ही नहीं कर सकते तो भाई जब आप संविदा नहीं कर सकते तो आप संपत्ति को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते सीधा ऐसा ठीक दिस इज योर दिस इज योर कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन नंबर सेवन उसके बाद सेक्शन नंबर एट अगेन ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर के बारे में बात करता है इसको आप इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर भी बोल देते हो कि भाई अगर जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी दी गई उस प्रॉपर्टी के जितने भी बेनिफिट्स थे उस से जो भी थी, वो सारी rights, सारी सब कुछ ट्रांसफर हो जाता है ठीक समझ में आया ये फंडा है भाई, एक घर, है।, उस घर, पे है।, वो घर मेरा है वो घर मैंने तुम्हें बेच दिया तो अब किराया भी तो तुम्हें ही मिलेगा ना अगर एक कोई घर है उस घर पर मॉडगेज है मैंने, मैंने प्रॉपर्टी तुम्हें बेच दी ठीक तो भाई अब वो मॉडगेज तुम संभालो तुम देखो कि का क्या करना है

चैट बॉक्स में कि अभी तक जो अपन ने पढ़ा शॉर्ट शॉर्ट में चीजें पढ़ी हैं क्रैश कोर्स के हिसाब से ऑब्वियसली पढ़ना पड़ रहा है यहां तक मजा आया या यहां तक समझ में आया जस्ट राइट भाई भाई इन द चैट बॉक्स वंस प्लीज बता दो एग्जैक्टली exactly. जब घर मिलेगा तो उससे रिलेटेड सारे अधिकार मिल जाएंगे जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स अभी तक सारी चीजें समझ में आ रही है अलादीन लिख दो या चमका लिख दो या भाई भाई लिख दो जस्ट राइट दैट डाउन बाय बाय परफेक्ट ठीक है फेयर इनफ नाउ, परफेक्ट परफेक्ट ठीक है अब देखिए सेक्शन नंबर टेन इलेवन ट्वेल्व जैसा मैंने आपको ऑलरेडी एक बेसिक एक आइडिया दे दिया है टेन इलेवन एंड ट्वेल्व का सीधा सिंपल सा हिसाब चलता है कि अगर टेन की बात करें तो एनी कंडीशन विच इज रिस्ट्रेनिंग योर एलियनेशन मैंने आपको पूरी संपत्ति दे दी पूरे उस संपत्ति पे जो भी अधिकार बनते थे वो सारे के सारे राइट मैंने दे दिए हैं बट राइट के साथ मैंने कंडीशन लगा दी कंडीशन लगा दी कि भाई देखिए आप इस प्रॉपर्टी को एलियनेट नहीं कर सकते ठीक है इसको अगर हम हिंदी में बोले तो इसको कहते हैं अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त ठीक है यहां पे एलियनेट का मतलब संक्रमण ठीक तो अन्य संक्रमण को अवरुद्ध करने वाली जो शर्त है मतलब

तो उस प्रॉपर्टी पे एप्सोल्यूट राइट भी इतना ही क्रैश के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है में वैसे आता है टेन इलेवन ट से बहुत इंपॉर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं लेकिन प्री में बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है ठीक फिर हम लोग आ जाते हैं सेक्शन नंबर इलेवन पे सेक्शन नंबर इलेवन ये बोलता है कि मान लो अगर किसी व्यक्ति को बोला गया कि भाई हमें हम तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे वी आर ट्रांसफरिंग अ सर्टेन प्रॉपर्टी टू यू ठीक बट उसके साथ साथ एक कंडीशन ये लगा दी गई दिस प्रॉपर्टी हैज़ टू बी यूज इन अ पर्टिकुलर मैनर इन अ पर्टिकुलर मैनर ओनली अगर ऐसी कंडीशन लगाई गई है तो भाई फिर वो गलत यही चीज आपको सेक्शन नंबर इलेवन में ध्यान रखनी होती है कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हुए ऐसी कंडीशन लगा दी जाए कि दिस प्रॉपर्टी हैज़ टू बी यूज ओनली इन दिस पर्टिकुलर मैनर एंड इन नो मैनर एल्स दैट कंडीशन विल बी कंसिडर्ड एज वो कंडीशन वॉइड होगी और आप अपनी संपत्ति को जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं दिस इज योर सेक्शन नंबर इलेवन अच्छा अब 11 की बात आई है तो 11 यहां पे खाली नहीं जाता 11 का जो सेकंड पार्ट है 11 का सेकंड पार्ट 1929 में ऐड किया गया था 1929 में जोड़ा गया था 11 पूरा नहीं है दो पैराग्राफ्स का नहीं था सिंगल पैराग्राफ का था इसमें 1929 से एक अमेंडमेंट जोड़ा गया लाइन जोड़ी गई इसमें यह चीज बताई गई कि मान लो अगर किसी एक पार्ट को एक पार्ट को उसके यूसेज को इसलिए रेस्ट्रिक्ट किया गया है ताकि दूसरे एरिया को ढंग से यूज किया जा सके इसीलिए इसीलिए ऐसी कोई भी कंडीशन नल एंड वॉइड नहीं मानी जाएगी ठीक इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ये आपको केस में मिलता है ठीक है ये आपको केस में मिलता है द नेम ऑफ द केस इज जस्ट अ सेकेंड द नेम ऑफ द केस इज टल्क वर्सेज मॉक्से ठीक है वर्सेस मॉक्से का केस है ये पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं ऐसे बहुत सारे केस है लेकिन हमारे काम का टल्क वर्सेस मॉक्से का केस है केस क्या है भाई एक जगह रहती है ठीक है एक जगह रहती है उस जगह का नाम रहता है लेसेस्टर स्क्वायर लेसेस्टर स्क्वायर लेसेस्टर स्क्वायर के जस्ट सामने ठीक है अब स्क्वायर है मतलब चौराहा है भाई ठीक यहां से इसको हम हटा देते हैं चौराहा है क्योंकि यहां पे इसको आप देख सकते हैं तो भाई यहां से कई रास्ते जुड़ते हैं एक एक रास्ता ऐसे जाता है एक रास्ता ऐसे जाता है फिर एक रास्ता ऐसे जाता है ठीक अच्छा उस रास्ते के दोनों तरफ जो मेन एरिया है उस रास्ते के दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें रहती ठीक है।, है और ये यहां पर भी है ऊपर वाला जो एरिया आप लोग देख रहे हो यहां पर भी दुकानें रहती हैं ठीक ये एरिया में इधर पे भी बहुत सारी अलग अलग दुकाने है। अब ध्यान से समझना इसी चौराहे पे बना हुआ है एक पार्क इसी जगह पे बना हुआ है एक पार्क बहुत ध्यान से समझना दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक उस पार्क में क्या होता है अच्छा ये जो पूरा एरिया है ना ये जो पूरा एरिया है ये एक व्यक्ति को बिलोंग करता है जिनका नाम है टल्क दिस बिलोंग्स टू अ पर्सन जिनका नाम है टल्क टल्क ने क्या किया टल्क ने ये पूरी प्रॉपर्टी जो है ये लेसिस्टर स्क्वायर वाली जो ये पूरी पूरी संपत्ति है ये वाली ये एक व्यक्ति को बेची और साथ साथ में ये पार्क भी बेचा और ये कहा कि भैया देखो ऐसा है आप क्या करना इस पार्क, पार्क में क्या होता है जो भी लोग इस रास्ते से निकलते हैं जो भी लोग इस रास्ते से निकलते हैं या चौराहे पे आते हैं कभी भी वो यहाँ पे रेस्ट करने के लिए बैठते हैं ठीक है देर इज अ पर्पज फॉर विच दिस पार्क वॉज बिल्ट इस पूरे एरिया में जैसे यूसेज करना है आप करो लेकिन प्लीज इस पार्क को आप खत्म मत कीजिएगा इस पार्क के पेड़ों को काटिएगा, इस पार्क में किसी तरीके का ऑल्टरेशन चेंज मत करना ठीक ट साहब ने ऐसा बोल के अपनी प्रॉपर्टी एक एक्स पर्सन को बेच दी एक्स पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को वैसे ही यूज किया बाद में जाकर के वो प्रॉपर्टी पहुंची साहब के पास अब जब साहब के पास प्रॉपर्टी पहुंची तो उन्होंने उन्होंने ये ये कहा कहा ठीक है उन्होंने ये कहा कि यार ये पार्क तो कोई सेंस बना नहीं रहा है इसकी जगह पे मैं दूसरी बिल्डिंग्स बना करके नई शॉप्स खड़ी कर देता हूं और नई शॉप्स बन जाएंगी तो इस एरिया का जो कमर्शियल वैल्यू है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा भाई क्योंकि ऑलरेडी इतनी मार्केट है तो क्यों ना इसको पूरा का पूरा कनॉट प्लेस ही बना दिया जाए जा। तो, तो उन्होंने से जीके केस उन्होंने यह कहा ठीक है नाम इधर उधर हो सकते उस, उस पर मचाना जब ये पूरा मैटर कोर्ट ऑफ लॉ में गया कि भाई ये क्या हो रहा है तो कोर्ट ऑफ लॉ ने यह डिसाइड किया कि भाई देखो मामला तो समझ में आ रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट यह है कि यहां पे जो ट्रांसफर किया गया था टल के द्वारा और यह जो कंडीशन लगाई गई थी दिस वॉज फॉर द बेस्ट यूसेज कंडीशन वॉज फॉर द बेस्ट यूसेज ऑफ दैट एंटायर प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी के बेस्ट यूसेज के लिए यह कंडीशन लगाई गई थी इस प्रॉपर्टी को इसलिए यह कंडीशन नहीं लगाई गई थी कि कोई स, कोई व्यक्ति को ढंग से कोई

सेक्शन नंबर ट्वेल्व के बारे में बात करता है मान लीजिए कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया है या ऐसी ही किसी स्थिति तो उससे वापस ले ली जाएगी, छीन ली जाएगी, ये नहीं होती ये आपको 12 बताता है।, उसके बाद आता है आप लोग का सेक्शन नंबर थर्टीन और यह पूरा जाता है सेक्शन नंबर एटीन तक अब देखो ध्यान से समझना बेसिकली से ही डील करते हैं या फिर ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन से ही डील करते हैं जस्ट ना 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 नॉट फॉर आर बेनिफिट मनीषा फॉर द बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक यानी कि उस पूरे प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए या बेस्ट यूज करने के लिए उस जगह में पार्क होना जरूरी था आवश्यक था आप हर जगह को पूरी तरीके से कमर्शलाइज नहीं कर सकते जाहिर सी बात है कि अगर उस पार्क वाले एरिया में भी बिल्डिंग्स बना दी जाती शॉप्स ओपन कर दी जाती तो वो कमर्शियली तो बहुत यूजफुल होता लेकिन जितने भी लोगों के लिए वो एक एक रेस्टिंग एरिया था या रिक्रिएशनल एरिया था वो खत्म हो जाता इसीलिए कोर्ट ऑफ लॉ ने ये मामला टल के फेवर में डिसाइड किया <laughs> इस कॉन्सेप्ट का मतलब यही है सेक्शन इलेवन का कि अगर कोई ऐसी कंडीशन इसलिए लगाई गई है किसी प्रॉपर्टी पे ताकि जो बाकी की प्रॉपर्टी है उसको अच्छे ढंग से यूटिलाइज किया जा सके इसको इस कंडीशन को किसी भी तरीके से नल नहीं बोला जाएगा इसे एक सिंपल से एक से एग्जांपल समझ लो मान लो अगर कोई व्यक्ति है मान लीजिए कि हमारे ये है मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी के घर का नाम क्या है गोलू चिंटू मोहन ये सब मत बोलना मुकेश अंबानी का जो घर है घर देखा है उनका अजीब सा घर है ठीक ये कुछ ऐसा है कुछ ऐसा कुछ फैला फैला सा ऐसा घर देखा है वट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन हाउस ठीक एंटिलिया यस yes, दुनिया का सबसे महंगा घर है ना एंटिलिया अब ध्यान से समझो अगर आप एंटिलिया की बात करते हैं तो भाई इस घर में कम से कम नहीं तो सौ दो सौ पता नहीं दो सौ या पांच सौ कितनी कार्स के लिए पार्किंग की जगह है अपने आप में सेवन स्टार होटल ठीक पार्किंग की जगह है अब मान लो कल को अंबानी संपत्ति बेच देते हैं मान लीजिए मस्क को बेच देते हैं कि लो भैया घर ले लो हमारा ठीक ऐसी स्थिति में वो ये कंडीशन जरूर लगा सकते हैं कि भाई क्योंकि ये प्रेमाइस पूरा एक पर्पज से बनाया गया है तो इसका जो पार्किंग स्पेस है पार्किंग स्पेस में आप कुछ अलग कंस्ट्रक्शन करने मत जाना क्योंकि पार्किंग स्पेस बनाया ही इसलिए गया है ताकि उस घर में जो भी लोग आए जो भी गेस्ट आए वगैरह हो उन्हें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जा सके प्रॉपरली मैनेज किया जा सके ऑफ दिस प्रॉपर्टी प्लीज अ पार्किंग एरिया और अ गराज एरिया ये कॉन्सेप्ट है ठीक है ठीक है यस दिस इज द कॉन्सेप्ट अरे यार ठीक है बस विकास दिस इज द कॉन्सेप्ट वो जो आपको सेक्शन नंबर 11 के सब सेक्शन या क्लॉज या पैरा 2 में दिया हुआ है ठीक चलिए अब वापस आते हैं सेक्शन नंबर 13 और 14 पे तो 13 एंड 14 आर सिंपल सेक्शंस बस इतनी बात करते हैं 13 14 की भाई प्रॉपर्टी अगर अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए जानी है तो फिर प्रॉपर्टी जो होगी वो वाया ट्रस्ट डेवलप की जाएगी यानी कि आपको प्रायर इंटरेस्ट देना पड़ेगा प्रॉपर्टी को अनबॉर्न पर्सन को देने से पहले विच मेक क्यों अदरवाइज अगर वो बच्चा पैदा हुआ नहीं हुआ तो भैया प्रॉपर्टी तो हवा में चली जाएगी ना एबेंस में चली जाएगी इसीलिए इसीलिए ये रूल लगाया गया ठीक अच्छा एक और कॉन्सेप्ट है एक और कॉन्सेप्ट है इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है डबल पॉसिबिलिटी रूल ठीक है यह भी कभी कभी भैया प्री में पूछ लेते हैं अब डबल पॉसिबिलिटी रूल इंडिया मेंबल नहीं डबल पॉसिबिलिटी रूल इंग्लैंड का है। कौन से केस से आया था कोई बताएगा मुझे कैन समबडी टेल मी की डबल पॉसिबिलिटी रूल कौन सेस से आए विच केस डील्स विद और विच केस हैज इंट्रोड्यूसड द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल पॉसिबिलिटी रूल यह प्री में पूछा जाता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में बनता है क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं बताओ जरा डबल पॉसिबिलिटी रूल कौन से कौन से केस में डिस्कस किया गया था कैन समबडी टेल मी इतना डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया क्या हाँ शाबाश नहीं 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 टेगोर वर्सेस टेगोर वॉज गिफ्ट टू एन अनबॉर्न पर्सन कैन गिफ्ट टू एन अनबॉर्न पर्सन बी डन यस दैट वॉज टैगोर वर्सेस टैगोर करेक्ट है ठीक है नहीं 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 दादा भाई का केस या नहीं है ठीक सो दिस इज द केस वाइट बी वर्सेस मिशेल आप लोगों से कभी कभी में में पूछ लेते हैं तो बी वर्सेस मिशेल चीज आई थी कि भाई देखो अब कोई एक्स पर्सन है वो एक्स पर्सन अपनी प्रॉपर्टी आज दे दे किसी व्यक्ति को ठीक किसी भी वाई नाम के व्यक्ति को आज प्रॉपर्टी दे दे ठीक है और ये कह दे कि भैया Why, तुम्हारा अगर से फॉर एग्जाम्पल लड़का होता है बेटा होता है तो ये प्रॉपर्टी उसको चली जाएगी फिर अगर उस लड़के का लड़का होता है तो ये ये प्रॉपर्टी जो है ये उसके बाद उसको चली जाएगी और अगर लड़की होती है डॉटर होती है तो ये उसको प्रॉपर्टी नहीं जाएगी अब प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि अभी तो ये लड़का ही पैदा नहीं हुआ तो डबल पॉसिबिलिटी है ना भाई पॉसिबिलिटी है कि इनका एक बेटा होगा फिर उसको संपत्ति जाएगी फिर आगे संपत्ति जाएगी किसी और को जाएगी बेटे को जाएगी बेटी को जाएगी दिस इज अ डबल पॉसिबिलिटी दिस मे और मे नॉट हैपन ठीक तो इसीलिए ये जो रूल है ये रूल इंडिया में लागू नहीं किया गया ये इंग्लिश इंग्लिश रूल था इसको इंडिया में लागू नहीं किया गया बिकॉज ऑफ दिस सिंपल रीजन ठीक है बिकॉज ऑफ दिस सिंपल रीजन कि भाई ऐसे तो प्रॉपर्टी कभी कभी सेटल डाउन होगी नहीं हम लोग हमेशा अनसर्टेन रहेंगे कि ये प्रॉपर्टी ये संपत्ति किसकी है ये था पूरा वाइट वर्सेस मिशेल का कॉन्सेप्ट ठीक अच्छा परपीचुटी जो है परपीचुटी जो है उसके साथ सीन ये बनता है कि अगर मान लो अच्छा सेक्शन नंबर थर्टीन का जो इलेट्रेशन है ये एक बार देखिएगा सेक्शन नंबर थर्टीन का जो इलेट्रेशन है वो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है उसको रीड कर लेना कि ए ने प्रॉपर्टी बी को दी ठीक है अच्छा एक और सवाल क्योंकि वो थर्टीन से ही कनेक्टेड है इलेट्रेशन से ही जो बच्चा है जो अनबॉर्न पर्सन है उसको अगर आप कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हो अगर आप उसको कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हो तो वो इंटरेस्ट का नेचर कैसा होगा इज दैट इंटरेस्ट एप्सल्यूट और इज दैट इंटरेस्ट रेस्ट्रिक्टेड या क्वालिफाइड एप्सल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है या क्वालिफाइड या लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है अजन्मे बच्चे को बताना जरा लिमिटेड कहां से हाउट होता है बेटा इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है अगर बच्चे को भाई अनबोर्न पर्सन है अनबोर्न पर्सन को हमेशा एप्सल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर करोगे मतलब भाई एक ए पर्सन है उन्होंने कहा कि भैया मेरी ये प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी जो है ये मैं अपने बेटे को देना चाहता हूं मेरा बेटा भी पैदा नहीं हुआ है तो मैं अपनी वाइफ में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देता हूं तो मेरी वाइफ के रहते रहते मेरा बेटा पैदा हो जाएगा सन उसको यह प्रॉपर्टी चली जाएगी अच्छा उसके बाद जो मेरा सेकेंड सन होगा उसको यह प्रॉपर्टी चली जाएगी तो जो बड़ा बेटा है उसको तो आप लिमिटेड इंटरेस्ट ही दे रहे हो ना उसके पास इंटरेस्ट तभी तक है जब तक दूसरा बेटा पैदा नहीं हो जाता सिंपल ऐसा इंटरेस्ट आप ट्रांसफर नहीं कर सकते बच्चों को या किसी अनबॉर्न पर्सन को अगर आपको इंटरेस्ट देना है तो आप उसको इंटरेस्ट हमेशा एब्सोल्यूट नेचर का दोगे कभी भी क्वालिफाइड या लिमिटेड नेचर का इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता सिंपल सा ठीक सो माइंड ठीक है ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन नंबर थर्टीन एंड फोर्टीन अच्छा इसका जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन फोर्टीन का वो परपीचुटी वाला उसी के कॉन्टेक्स में हम एक केस भी पढ़ लेते हैं गिरिजेश दत्त वर्सिज दत्ताधीन का कभी कभी यह भी पूछता है ठीक है इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतना ज्यादा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन गिरिजेश दत्त वर्सेस गिरिजेशन का केस यहां पे पूछा जाए अच्छा कोई मुझे यह बताना चाहेगा कि सेक्शन नंबर कौन सा ऐसा सेक्शन नंबर है जो कि परपीचुटी का परपीचुटी का एक्सेप्शन है विच इज दैट सेक्शन एक्सेप्शन टू द रूल अगेंस्ट परपीचुटी बताओ जरा सोचो अब भैया सारे जवाब मैं ही थोड़ी ना बताऊंगा कुछ कुछ खुद भी सोचो खुद भी दिमाग लगाओ बताओ जरा परपीचुटी का हाँ शाबाश किसका आंसर है ये अतिशय वेरी गुड बेटा प्रियंका कार्य प्रतीक बहुत बढ़िया यस मुकेश शेख साहब बहुत बढ़िया सना अपराजता बेटे प्रफुल एक सेक्शन बाद बेटा सत्रह में अक्यूमुलेशन ठीक यस बहुत बढ़िया अनुभूति द आंसर इज सेक्शन सेक्शन नंबर नंबर किस बारे में बात करता है एक्सेप्शनल कंडीशन के बारे में बात करता है जहां पर रूल ऑफ परप्यूचुनिटी एप्लीकेबल नहीं होता तो जरा सेक्शन एटीन को एक बार रीड करो सेक्शन एटीन क्या बोलता है इट इट्स ट्रांसफर एंडी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक अगर पब्लिक के लिए जनसामान्य के लिए ठीक है जनता की भलाई के लिए अगर आप परपेच्युटी में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो चल जाएगा मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपने आपने देखा होगा लोग गर्मियों हो, में अभी गर्मियों का टाइम आ रहा है ना लोग प्याऊ का कंस्ट्रक्शन करते हैं प्याऊ समझते हैं आप लोग प्याऊ मतलब पब्लिक एरिया होता है जहां पे घड़े रख दिए जाते हैं जिनमें पानी भर दिया जाता है साफ पानी कि कोई भी अगर आवक जावक वाला कोई व्यक्ति होगा तो वो इन घड़ों से पानी निकाल के पी सकता है ठीक वो होते हैं प्याऊ अब अगर कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को इस तरीके से लेट से फॉर एग्जाम्पल लेट से फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है जिनका नाम है उग्रसेन ठीक है उग्रसेन है उग्रसेन ने बनाई एक बावली ठीक है बावली का मतलब क्या है एक बहुत बड़ी सी जगह है जहां पे पानी भरता है ठीक उग्रसेन नाम के व्यक्ति हैं उन्होंने बनाई एक बावली दिल्ली में और उन्होंने ये बावली क्या की पब्लिक के नाम कर दी पब्लिक के नाम करने का मतलब कोई भी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का कभी भी आकर के यहां से पानी लेके जा सकता है अब चाहे आपका नाम पी के हो चाहे आपका नाम जग्गू हो चाहे आपका नाम सरफराज हो चाहे आपका नाम वो क्या था तपस्वी हो ठीक कुछ भी नाम हो कुछ भी नाम हो आप उस प्रॉपर्टी से पानी ले जा सकते हो सीधा सा हिसाब अब ये क्या है दिस इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी इन बट बिकॉज फॉर द ऑफ बेनिफिट ऑफ पब्लिक ये परपीचुटी में ही रहेगी तो भाई इसके बाद अगर कोई व्यक्ति होता है जो इनके बच्चे होते हैं इनके बच्चे होते हैं इनके बच्चे होते हैं उनके बच्चों के बच्चे होते हैं वो सब लोग उस जगह से उस बावली से क्या निकाल सकते हैं पानी निकाल सकते हैं दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ठीक है एग्जैक्टली रिलीजन नॉलेज कॉमर्स हेल्थ सेफ्टी और समथिंग बेनिफिशियल टू मैनकाइंड यहां पे एक बहुत अच्छी स्टोरी भी आती है आप लोगों ने शायद सुनी हो किसी को यह पता है कि uh, किसी को यह पता है बी का निर्माण कैसे हुआ था डज डबडी नो दिस BHU का निर्माण कैसे हुआ था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अगर किसी को पता हो तो बहुत अच्छी स्टोरी है मतलब मुझे भी पूरी नहीं पता ऑब्वियसली मुझे पूरी नहीं पता लेकिन किसी को पता है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसका निर्माण हुआ कैसे था? मी या किसी को पता हो नो no आइडिया बहुत अच्छी स्टोरी है बहुत मतलब इट्स इट्स अ गुड स्टोरी एक्चुअली बिकॉज एग्जैक्ट फैक्ट्स तो मुझे भी नहीं पता थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन कमिटी करेक्ट है कमिटी बनाकर ही बीएचई को स्टैब्लिश किया गया था दैट्स ट्रू नहीं शायद आई एम नॉट वेरी श्योर अगर मैं गलत बता दूं तो प्लीज इसे क्रॉस चेक भी कर लेना हो सकता है कि कुछ फैक्ट्स उन्नीस हो ठीक है हाँ बीएचयू वालों यू वालो बताओ तुम्हें तो पता ही होगा जितना मैंने सुना है आई एम आई एम नॉट हंड्रेड परसेंट श्योर बट आई एम एटी परसेंट श्योर अबाउट दिस स्टोरी द स्टोरी गोज लाइक दिस कि आपने इनका नाम सुना होगा uh, महामना मदन मोहन मालविया ठीक है मदन मोहन मालवीय जी जो थे

आप बताएं आपको क्या चाहिए हम आपको कोई भी जो भी आप चीज मांगेंगे जो भी आ, संपत्ति या जो भी चीज आप चाहते हैं वो आप हमें बताएं हम वो आपको लेट से फॉर एग्जाम्पल मैं वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जो भी आप चाहते हैं ठीक है अरे भाई नंबर वन यूनिवर्सिटी वन टू थ्री उसकी बात नहीं कर रहे हैं सुनना तो हुआ ये कि मदन मोहन मालवीय जी ने ये शर्त रखी शायद यही थी स्टोरी प्लीज इसलिए मैं मैं आई नॉट टेकिंग एनी रिस्पांसिबिलिटी फॉर दिस दिस स्टोरी स्टोरी बट वाज द गेस मदन मोहन मालवीय जी ने ये कहा कि भाई देखिए मुझे आप जमीन दे दीजिए मुझे आप जमीन दे दीजिए क्योंकि मैं वहां पर एक विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूँ एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ तो इन्होंने कहा राजा जी ने कहा कि ठीक है आप पूरा ये पूरा एरिया देखिए आप पैदल निकलिए और आप जितना भी एरिया कवर करके आएंगे आप जो भी एरिया कवर करके आएंगे वो एरिया वो पूरा का पूरा एरिया हम आपको दे देंगे क्या लक्ष्य था इनको चाहिए थी एक ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी ऐसी जमीन जिसपे वो एक, एक विश्वविद्यालय बना सके यूनिवर्सिटी बना सके तो इन्होंने जितना एरिया कवर किया वही एरिया अल्टीमेटली गिफ्ट में दे दिया गया था चैरिटी में एक तरीके से दे दिया गया था बाय द किंग उसी एरिया में बीएचयू बना हुआ है ठीक है प्रभु नारायण सिंह जहां तक आप चल के जाओगे वहां तक BHU बनेगा. ये, am I, am I क्योंकि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगता है अगर किसी के पास मतलब किसी ने ये स्टोरी सुनी हो किसी ने पढ़ी हो ठीक तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा यहां पे चैट बॉक्स में कि शायद यही था शायद यही स्टोरी थी कि उन्हें यही बोला गया था कि आप जितना एरिया कवर करके आएंगे उतना एरिया हम आपको दे देंगे बीएचयू बनाने के लिए तो जितना उन्होंने पैदल चल के पूरा एरिया कवर किया वही यही स्टोरी सुनाई जाती है ना हाँ यही स्टोरी है ठीक उन्होंने जितना एरिया पूरा कवर किया वही आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ठीक अब समझो यहां वो जो पूरी की पूरी जमीन है वो अल्टीमेटली किस पर्पज के लिए दी गई पब्लिक पर्पज के लिए क्या पब्लिक पर्पज था नॉलेज नॉलेज एजुकेशन इसके लिए दिया गया नॉलेज के लिए एजुकेशन के लिए दिया गया ठीक है तो पब्लिक पर्पज अब पब्लिक पर्पज में क्योंकि वो जमीन दी गई है तो भाई बीएचयू जब तक है मतलब जब तक जमीन है तब तक बीएचयू और वो वैसा ही चलेगा ठीक तो इसका बहुत एक ब्यूटिफुल एग्जाम्पल हम लोग सेक्शन नंबर एटीन का ये देखते हैं अगर ये कहानी मुझे जितनी पता है ठीक है शायद यही था यही थी स्टोरी ये है सेक्शन नंबर एटीन वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी एंड अच्छा लगता है सुन के बहुत अच्छा लगता है ठीक चलो फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेक्शन नंबर 15, 16 क्लासेस से डील करता है बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आते हैं सेक्शन नंबर 17 पे जो ये बोलता है कि भाई डॉक्ट्रीन ऑफ अक्यूमुलेशन कैसे वर्क करेगा तो अक्यूमुलेशन का मतलब सिंपल है कोई एक एक्स पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी एक वाई पर्सन को ट्रांसफर करता है ठीक है मैं शॉर्ट में समझाऊंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है एक्स पर्सन अपनी प्रॉपर्टी वाई पर्सन को ट्रांसफर करता है और ये कह के ट्रांसफर करता है कि भाई देखो इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम जनरेट होगी जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा या किसी भी और अदर टाइप ऑफ इनकम जनरेट होगी उसको तुम क्या करना उसको तुम संजोते जाना उसको तुम अक्यूमुलेट करते जाना ठीक है समझ में आया इसको बचा के रखना इसको संभाल के रखना और तुम मुझे वो अक्यूमुलेटेड संचित जो पूरा का पूरा पैसा है वो एक बार में दे देना ठीक है मैं तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं ठीक है इंटरेस्ट एज एन मोस्टली पोजेशन दिया जाता है यहां पे टाइटल नहीं दिया जाता मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं आप उस प्रॉपर्टी को संभालिए उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी जो भी प्रॉफिट आएगा जो भी इनकम जनरेट होगी बेसिकली वो आप मुझे अक्यूमुलेट करके दे देना ये जो अक्यूमुलेशन का डायरेक्शन में दे रहा हूं ये जो मैं निर्देश दे रहा हूं ना अक्यूमुलेशन का ये 18 साल या फिर मेरे lifetime से ज्यादा का नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखना। सेक्शन नंबर 17। मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको सेक्शन 17 समझाने की कोशिश की है क्या बोलता है कि भाई अगर प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है तो उसपे आप ये निर्देश दे सकते हैं उस पर आप ये निर्देश दे सकते हैं ठीक है कि भाई इस संपत्ति पे जो भी इनकम जनरेट होगी जो भी पैसा इससे मिलेगा उसको संचित करते जाना अक्यूमुलेट करते जाना और मुझे दे देना लेकिन वो जो संचित करने का निर्देश है वो जो डायरेक्शन है कि आप इतने समय तक इस पैसे को बचा के रखेंगे और एक मुश्त मेरे को पेमेंट करेंगे वो डायरेक्शन कभी भी अट्ठारह साल या मेरे लाइफ टाइम से ज्यादा का नहीं हो सकता दोनों में से विच एवर इज मोर किसी व्यक्ति को कहा मान लो मैंने किसी व्यक्ति को, को कहा कि भाई देखो 25 साल तक आपको करना है। तो ये वाला रूल तो पहले ही कट गया है? लो मैं खुद बीस तक जिया बीस साल, साल में वो अक्यूमेशन खत्म हो जाएगा फिर वो व्यक्ति पांच साल और अक्यूमलेन करने के लिए बाध्य नहीं क्यों क्योंकि अठारह साल और लाइफ टाइम लाइफ टाइम ज्यादा थी 20 साल में जी गया लेकिन उससे एक्स्ट्रा जो भी टाइम पीरियड है एक्स्ट्रा जो भी साल है, वो मैं खुद चल बसा दस साल में ये ट्रांसफर करने के बाद तो अक्यूमलेन कब तक होगा अठारह साल तक होगा क्यों क्योंकि मेरी आयु से मेरी बची हुई आयु से अठारह वर्ष की अवधि ज्यादा थी ठीक और मान लो अगर मैंने अठारह से ही कम किया मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को कहा कि भैया चलिए अगले दस साल तक इस संपत्ति पे कोई भी अगर इनकम जनरेट होती है तो आप उसको संचित करके रखें ठीक और मैं खुद मर गया से फॉर एग्जांपल छह साल में फिर फेरफ लेकिन क्योंकि ये जो नंबर है ये अठारह साल से कम का है इसीलिए दस साल तक पूरा वो अक्यूमुलेशन वो व्यक्ति करेगा और वो जो भी पैसा अक्यूमुलेट होता है वो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे देगा

प्लॉट है ये आपको दे या आपको भारी नुकसान हुआ तो फिर ये जो बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ है ये मैं पूरा आपको दे Uncertain है, Uncertain है। तो दैट इंटरेस्ट इज नोन एज कंटिजेंट इंटरेस्ट मतलब मैं किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी दूं और प्रॉपर्टी देकर यह कहूं कि भाई ये प्रॉपर्टी तुम्हें तब मिलेगी ये इंटरेस्ट तुम्हें तब मिल जाएगा जब ऐसी कोई यथास्थिति बनेगी या ऐसी कोई अनसर्टेन इवेंट होगा तब तुम्हें ये प्रॉपर्टी मैं ट्रांसफर कर दूंगा सिंपल कंडीशन तो ये होता है अनसर्टेन कंडीशन या इसे ही हम लोग कहते हैं कंटिजेंट ट्रांसफर या कंटिजेंट इंटरेस्ट नंबर वन अगर वो अनसर्टेन इवेंट मैंने कहा था कि अगर होगा तो तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा तो व्हेन इट हैपेंस तुमको इंटरेस्ट मिल जाए ठीक और अगर मैंने कहा था कि वो अनसर्टन इवेंट अगर नहीं हुआ मतलब मान लो तुम्हें मुनाफा नहीं हुआ अगले साल तो तुम्हें ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो व्हेन इट बिकम्स इम्पॉसिबल मान लो साल ही पूरा खत्म हो गया कोई फायदा नहीं हुआ तो फिर ऐसी स्थिति में वो ट्रांसफर क्या हो जाता है या वो इंटरेस्ट क्या हो जाता है अल्टीमेटली ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट द इंटरेस्ट बिकम्स ये है आप लोगों का सेक्शन नंबर 19 और 21 तक का ब्रॉड एरिया मोटा ठीक ये हमें समझना है ठीक तीनों एक जैसे लगते हैं अतिशय है। यहां पे अपने को डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्रैश में इधर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते ही नहीं है ठीक माइ डियर स्टूडेंट्स फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि यहां तक का एरिया समझ में आया देखो आई नो टीपीए बहुत बोरिंग है लेकिन टीपीए को कॉन्सेप्ट कभी भी सेक्शन में उसमें एकदम आपको डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हुआ क्रैश कोर्स के एटलीस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रिलिम्स तो तुम्हारे हाथ में रहेगा ना यह चीज इंपॉर्टेंट है अभी ठीक मुझे यहां तक बताओ यहां तक का पूरा एरिया कवर हो गया यहां तक का पूरा एरिया समझ में आया प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स भाई भाई लिख दो क्लियर लिख दो चमका लिख दो अलादी लिख दो कुछ भी लिख दो बताओ यहां तक समझ में आया जस्ट लेट मी नो करेक्ट आ गया परफेक्ट यस सर ठीक आखिरी पानी की बूंद भाई भाई आप देखो यहां तक हमारा हम लोग स्टडी करते हैं कंटिंजेंट और वेस्टेड इंटरेस्ट ठीक है 22 23 24 इन एरिया से आपके क्वेश्चंस नहीं बनते इसके बाद आता है कंडीशनल ट्रांसफर अब देखो ध्यान से देखना कंडीशनल ट्रांसफर बेसिकली कंटिंजेंट जैसा ही होता है लेकिन कंटिंजेंट में और कंडीशनल में फर्क है कंटिंजेंट में क्या होता है कंटिंजेंट ट्रांसफर इज बेसिकली आउटसाइड द कंट्रोल डायरेक्ट कंट्रोल से अगर लेटर एग्जाम्पल डूब गई नहीं डूबी कैसे पता चलेगा, चलेगा? यह हमारे कंट्रोल में तो है नहीं तो कंटिजेंट ट्रांसफर जो होते हैं वो पार्टीज के कंट्रोल से बाहर होते हैं लेकिन एक ऐसा ट्रांसफर होता है जिसमें पार्टीज का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है जिसमें पार्टीज पूरे मामले को कंट्रोल कर सकती है एंड दैट इज नोन एज कंडीशनल ट्रांसफर क्या बोलते हैं इसको कंडीशनल ट्रांसफर अब कंडीशनल ट्रांसफर का सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई मैंने आपको प्रॉपर्टी दे दी ठीक है मैंने आपको प्रॉपर्टी दे दी और प्रॉपर्टी दे मैंने आपको यह कहा सिंपल सी चीज कही कि भाई इस प्रॉपर्टी में पूरा जो इंटरेस्ट है ठीक है इस प्रॉपर्टी में पूरा जो इंटरेस्ट है वो आपको तब मिलेगा जब आप ये कंडीशन फुलफिल कर दोगे ठीक लेट से फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि भाई देखो ऐसा है कि मैं आपको यह संपत्ति ट्रांसफर कर दूंगा बशर्ते बशर्ते आप मेरे छोटे भाई को नौकरी दे दो ठीक समझ में आया मैं आपको यह संपत्ति ट्रांसफर कर दूंगा बशर्ते आप मेरे छोटे भाई को नौकरी दे दो या फिर मेरी छोटी बहन को अपने स्कूल का प्रिंसिपल बना दो सिंपल कॉन्सेप्ट तो जब तक आप मेरे छोटे भाई को नौकरी नहीं देते या जब तक आप मेरी छोटी बहन को स्कूल का प्रिंसिपल नहीं बनाते तब तक आपको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी सिंपल पहले आप ये काम कीजिए उसके बाद हम ये काम करेंगे ठीक सीधा सिंपल सा हिसाब दिस इज योर कंडीशन प्रिसीडेंट ठीक है ये आता है सेक्शन नंबर ट्वेंटी में फेर एनफ इसके बाद आता है आपका कंडीशन सबसीक्वेंट अब कंडीशन सबसीक्वेंट का क्या हिसाब है भाई कंडीशन सबसीक्वेंट का मतलब होता है कि देखो प्रॉपर्टी मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैं तुम्हें दे दे रहा रहा हूं हूं इंटरेस्ट लेकिन साथ साथ में मैं ये कंडीशन लगा रहा हूं कि भैया प्रॉपर्टी देखो अब तुम्हें दे दिया ना तुम्हें यह काम करना पड़ेगा अब मैं प्रॉपर्टी देने के बाद बोल रहा हूं कि देखो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दे रहा हूं लेकिन इसी शर्त पे दे रहा हूं कि यह प्रॉपर्टी मिलने के बाद तुम मेरे छोटे भाई को नौकरी पर रखोगे या फिर तुम मेरी छोटी बहन को प्रिंसिपल रख लोगे अपने स्कूल में यह क्या है दिस इज अ कंडीशन डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनतेक्शन जिसमें ब्रॉडली ब्रॉडली आप लोग देखोगे कि यहां से डिफिकल्ट एरिया से क्वेश्चंस नहीं बनते लेकिन इनसे क्वेश्चंस बनते हैं इलस्ट्रेशंस बेस्ड और जनरली इनके डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड अब जरा ध्यान से समझ जब भी कंडीशन प्रेसिडेंट की बात आएगी मान लो मान लो मैंने एक्स पर्सन को कहा कि भाई मैं तुझे प्रॉपर्टी देने को तैयार हूं बशर्ते तू ए बी और सी इन तीनों की कंसेंट से शादी करे ठीक है आपको इलेस्ट्रेशन में भी मिलेगा पर ना अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ भाई जब मैंने ये कंडीशन लगाई उसके बाद सी मर गया सी चल, चल बसा अब एक्स ने क्या किया एक्स ने ए की कंसेंट ले ली बी की कंसेंट ले ली और शादी कर ली तो कंडीशन प्रिडेंट जो है कंडीशन जो है, उसको फुलफिल करने से काम हो जाता है आपको कंडीशन प्रिसीडेंट को ए टू जेड पूरा फॉलो करने की जरूरत नहीं होती मतलब जितना पॉसिबल है जिस हद तक पॉसिबल है अगर पूरा पॉसिबल नहीं है तो जिस हद तक पॉसिबल है उतना आप कर लो जितना आपके बस का है दैट इज कंडीशन प्रिडेंट लेकिन भाई साहब सबसीक्वेंट कंडीशन की कोई सबसीक्वेंट कंडीशन में आपको जो फुलफिलमेंट होगा वो स्ट्रिक्ट नेचर का करना पड़ेगा यानी स्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट होगा तभी आपका जो कंडीशन है या तभी आपका जो ट्रांसफर है वो आपके पास स्टे करेगा अदरवाइज आपके हाथ से चला जाएगा स्ट्रिक्ट कंपाइलेशन और स्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट का मतलब क्या होता है स्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट का मतलब अगर मैंने कंडीशन लगाई कि भाई एक्स और ए इन दोनों की कंसेंट तुम्हें लेनी पड़ेगी ठीक प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करने के बाद ठीक लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक्स ए और इवन बी भी लगा देते बी तुम्हें इन तीन लोगों की कंसेंट से शादी करनी पड़ेगी अब इसमें क्या हुआ तुमने सिर्फ ए से कंसेंट लियो एक्स और ए से कंसेंट ली तुमने बी से कंसेंट ही नहीं ली ट्रांसफर इनवैलिडेट हो जाएगा दिस इज द रूल दैट यू नीड टू कीप इन माइंड एब्सोल्यूट फुलफिलमेंट चलता है स्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट चलता है सबसीक्वेंट ट्रांसफर के केस में या कंडीशन सबसीक्वेंट के केस में और कंडीशन प्रीसीडेंट के केस में सबस्टैंशियल मतलब 100% मत कर पाओ यार 70% कर दो 80% कर दो जितना पॉसिबल है उतना फुलफिल कर दो हम ट्रांसफर कर देंगे चलो मतलब भैया तुम्हें प्रॉपर्टी दी है ना मतलब काम होना है और काम पूरा होना है ठीक ऐसा नहीं कि काम में किसी तरह की कमी रहेगी तुम्हें फुलफिलमेंट करना पड़ेगा एब्सोल्यूट या स्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट करना पड़ेगा अपने पूरे के पूरी कंडीशन का यह डिफरेंस है कंडीशनल और सब्सिक्वेंट ट्रांसफर यहीं पे हम लोग एक डॉक्ट्रीन भी देखते हैं दैट इज डॉक्ट्रीन ऑफ सेक्शन नंबर 27 में जो दी हुई है डॉक्ट्रीन ऑफ एक्सेलरेशन अब देखो Doctrine of acceleration क्या बोलता है? Doctrine of acceleration ये बोलता है? है है। ये कि भाई सिंपल सा हिसाब मैं तुम्हें ट्रांसफर की ठीक है और मैंने ये कहा कि भैया देखो ये सर्टन कंडीशन प्रेसिडेंट है इनको फुलफिल कर दो अब अगर तुमने वो कंडीशन फुलफिल नहीं की ठीक कंडीशन प्रेसिडेंट है प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर होगी अगर तुमने वो कंडीशन फुलफिल नहीं की वो प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी ये क्या है प्रॉपर्टी रोक नहीं रहे प्रॉपर्टी में एक अल्टीरियर डिस्पोजिशन क्रिएट कर दे रहे हैं इफ देर इज नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन क्या समझे भाई अगर मैंने कंडीशन लगाई ठीक है, है कि मुझे तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है भाई साहब अगर तुमने फुलफिल कर दी तुम्हारे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी अगर तुमने फुलफिल नहीं की तो किसी ना किसी के पास तो चली ही जाएगी दिस इज नोन एज अल्टीरियर डिस्पोजिशन इसको हम बोलते हैं अल्टीरियर डिस्पोजिशन मतलब किसी के पास तो प्रॉपर्टी जाएगी और क्योंकि तुम्हारे पास नहीं आ रही है और रुक नहीं रही है किसी ना किसी के पास तो जा ही रही है अगर फुलफिलमेंट कर दो तो तुम्हारे पास नॉन फुलफिलमेंट होता है तो स्त्री के पास दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन ठीक है तो डॉक्ट्रीन ऑफ परपीचुटी हम लोग देखते हैं 13, 14 में में हम लोग देखते हैं और देखते हैं ये पूरा का पूरा का हिसाब ठीक ट्वेंटी सिक्स में साइप्रस को भी देख लेते हैं साइप्रस मतलब वही की सब्सटैंशियल आपको फुलफिलमेंट करना होता है और जब वहां देखते हो क्या बोलते हैं अपना सबसिक्वेंट कंडीशन के केस में

कहां पे दिया हुआ है इलेक्शन कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है तो इलेक्शन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 35 लेकिन हम इसे शॉर्ट में समझते भी हैं क्योंकि कुछ जगहों पे अगर लेट से इनके हिसाब से कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया तो आप एटलीस्ट एटलीस्ट जहां पे भी जिन भी स्टेट्स में जैसे आ, हरियाणा हो गया या इन सम केसेस इवन एमपी में कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चंस या दिल्ली वगैरह हो गया राजस्थान हो गया ऐसी जगह या उत्तराखंड भी हो गया एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जहां पे क्वेश्चन फैक्चुअल सिनेरियो बेसिस पे पे आते हैं वहां पे आपको इलेक्शन का समझना बहुत जरूरी है क्या है भाई इलेक्शन में सीधा सा हिसाब चलता है अल्टीरियर आयुष अल्टीरियर का मतलब होता है मान लो कि मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर की मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पे एक कंडीशन लगाई कि भाई देखिए प्रॉपर्टी तो तुझे मिल रही है लेकिन ये कंडीशन फुलफिल कर दी अगर तूने फुलफिल कर दी तो प्रॉपर्टी तेरी अगर तूने फुलफिल नहीं की तो ये प्रॉपर्टी किसी ना किसी को तो चली ही जाएगी तो किसी ना किसी में जो ये जो दूसरा व्यक्ति हम लोग बीच में घुसेड़ रहे हैं ये व्यक्ति है अल्टीरियर डिस्पोजिशन इफ यू एंड इफ नॉट यू देन समबडी एल्स दिस इज अल्टीरियर डिस्पोजिशन एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एक्सेलरेशन क्योंकि प्रॉपर्टी रुकेगी नहीं कहीं ना कहीं तो जाएगी ठीक ना इसके बाद आते हैं इलेक्शन पे देखो इलेक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है बहुत स्मूथली इलेक्शन में, में होता क्या है भाई किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, ठीक है? किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति है अब मान लो लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉर इंस्टेंस आपने ये सोचा कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है मेरी तो नहीं है किसी की है अब ए पर्सन की ये प्रॉपर्टी है ठीक है मैंने डिसाइड किया कि मैं इस प्रॉपर्टी को मान लो कोई घर कोई बहुत बढ़िया आलिशान घर है आपने अपने जीवन में जो सबसे अच्छा घर देखा है अपनी लाइफ में आपने जो सबसे अच्छा घर एकदम सामने फेस टू फेस देखा है वरना इंटीरियर को तो हम लोग को ने कितनी बार देखा है आपने अपनी लाइफ में जो भी फेस टू फेस जितना भी सबसे खूबसूरत घर देखना देखा है ना उसको इमेजिन करो उस घर को सोचो क्या आप अपने मम्मी पापा को उसी घर में रखना चाहते हो क्या आप अपने भाई बहन को उसी घर में रखना चाहते हो क्या आप लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके जो स्पाउस हैं आपके जो हस्बैंड हैं आपकी जो वाइफ है, है, है क्या आप उनको ऐसा घर देना चाहते हो क्या आप अपने बच्चों को वैसा घर दिलाना चाहते हो यस yes, इमेजिन कर लिया याद आ गया अब ध्यान से देखना मान लो कि आपके दिमाग में वो घर है आप क्या चाहते हैं आप ये चाहते हैं कि आपकी जो भी बेटी है या फिर आपके जो भी बेटे हैं उनको आप ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते बहुत सिंपल तरीके से समझना या कोई भी रैंडम लोग हैं आपके दोस्त हैं कोई भी हो गया उनको आप ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हो तो की की तो आप गए के पास। आपने ए को कहा कि सुनो ए मैं तुम्हें कुछ बेनिफिट्स देने को तैयार तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है तुम्हारा जो घर है कितने का है चलो भाई दो करोड़ का घर है ठीक है दो करोड़ का घर है मैं तुम्हें दो करोड़ रुपए देने को तैयार हूं यह प्रॉपर्टी जो है वो इन दोनों लोगों के नाम कर दो ठीक अब ए के पास क्रिएट हुआ है एक ऑप्शन अब ए के पास क्रिएट हुई एक चॉइस क्या चॉइस है वो क्या कर सकता है वो प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकता है या फिर वो प्रॉपर्टी को जाने दे सकता है ट्रांसफर होने दे सकता है? मतलब या तो वो बेनिफिट को रिजेक्ट कर सकता है और प्रॉपर्टी अपने पास ही रखे या फिर वो बेनिफिट को एक्सेप्ट कर सकता है और प्रॉपर्टी को जाने दे ठीक सिंपल सा है साहब सिंपल सा है साहब अब आपको भाई एक ही चीज करना पड़ेगा जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी या तो आप ऐसा कर लो या रुक सिमरन रुक और मेरे साथ जी ले अपनी जिंदगी दोनों में से एक ही हो सकता है दोनों तो नहीं हो सकते ऐसा तो नहीं होगा कि तुमने बेनिफिट भी उठा लिए लाओ बाबा दो करोड़ रुपए लाओ दो करोड़ रुपए भी रख लिए और घर भी ट्रांसफर नहीं किया ठीक है गरीबी में आटा गीला ठीक तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में द पर्सन मस्ट मेक अ पर्सन मस्ट मेक एन इलेक्शन ठीक अच्छा इसके अलावा आप लोगों से इलेक्शन में और कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता लेकिन ये ध्यान रखना कि इंप्लाइड इलेक्शन से रिलेटेड कभी कभी सवाल उठते सवाल क्या पहला सवाल ये आता है कि मान लो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने, ये benefits, जिसने ये दो साल या उससे ज्यादा दो साल या उससे ज्यादा यूटिलाइज कर लिए बट अभी तक उसने इलेक्शन नहीं किया मतलब यहां ने दो करोड़ में से पचास लाख रुपए ले लिए ठीक है, यूटिलाइज कर गया, फिर उसने धीरे से लाख और ले लिए, फिर वो भी खा गया अब ऐसा करते 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 दो साल निकल गए अब अगर किसी व्यक्ति ने दो साल से ज्यादा बेनिफिट्स उठाए हैं तो ये एक इंप्लाइड या फिर डीम्ड इलेक्शन समझा जाता है ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन हु इज उस व्यक्ति के उस व्यक्ति के इंटरेस्ट में यह चीज वर्क नहीं करती कि भाई तुम बेनिफिट्स भी दो साल से ज्यादा उठा रहे हो और तुम प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर नहीं होने दे रहे हो दिस इज द ऑफ़ डीम्ड इलेक्शन और इम्प्लाइड इलेक्शन एक चीज तो ये दूसरी चीज जिस दिन जिस दिन ट्रांसफर ने मान लीजिए एक जनवरी दो तो को अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऑप्शन दिया था कि भाई ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर तो दो लाख दो करोड़ रुपए रख लो ठीक उस दिन से लेकर के एक साल हो गया एक साल हो गया और अभी तक आपने अपना डिसीजन नहीं बताया तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि भाई मैं बेनिफिट दे रहा हूं तेरे को तू बेनिफिट ले ले रख ले रख चुका है तू तु। और तूने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि भाई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है नहीं करनी है क्या करना है ठीक तो जस्ट डिसाइड इट तो ऐसी स्थिति में एक साल होने के बाद यानी कि एक जनवरी 2023 को यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है कि मैं जाकर के उस व्यक्ति से जिसके पास इलेक्शन का अधिकार था उससे पूछूं कि क्या चाहिए? क्या सीन है फिर प्रॉपर्टी चाहिए नहीं चाहिए या बेनिफिट चाहिए कि नहीं चाहिए कुछ तो बोलो मुंह तो खोलो ठीक यह है आप लोगों का डीम्ड इलेक्शन का कॉन्सेप्ट जनरली ब्रॉडली यहीं से क्वेश्चन आते हैं इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आता है इलेक्शन से ऐसे इलेक्शन इज अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट लेकिन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए और ज्यादा जरूरी नहीं है ठीक इसको जब मैं इलेक्शन को जब मैं एक्चुअली क्लास में पढ़ाता हूं तो दिस टेक्स अराउंड टू क्लासेस दो क्लासेस लगती हैं एटलीस्ट सिर्फ इलेक्शन को कंप्लीट करवाने में लेकिन अदरवाइज क्योंकि हम क्रैश पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं इसीलिए हम इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं ठीक चलो इसके बाद हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है सेक्शन नंबर थर्टी सिक्स में एंड ब्रॉडली थर्टी सेवन अपोर्शनमेंट क्या बोलता है अपोर्शनमेंट का मतलब मान लो अगर मैंने किसी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी बेची ठीक अब मेरी प्रॉपर्टी पर था कोई किराएदार तो अब मेरी प्रॉपर्टी पे जो भी किराएदार था भाई उस किराएदार को मैंने यह बोल दिया कि जितना भी तुम पैसा इकट्ठा कर रहे हो जो भी तुम रेंट मुझे देने वाले हो वो तुम अब से मुझे मत देना अब से तुम जाकर किसको वो किराया इकट्ठा करके दोगे टू दैट पर्सन टू होम दैट टू होम आई हैव सोल्ड द प्रॉपर्टी दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली नोन एज अपोर्शनमेंट अपोर्शनमेंट सिंपली अगर हम बोले तो अपोर्शनमेंट का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी से मिलने वाली जो कोई भी किसी भी तरह की इनकम थी वो उसका जो एक पोर्शन था या प्रॉपर्टी जो थी वो पहले मुझे मिलती थी अब वो किसको मिलनी चाहिए ट्रांसफरी को मिलनी चाहिए दिस इज योर कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ अपोर्शनमेंट बस इतना ही है इससे ज्यादा अपोर्शनमेंट में और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दैट इज इट इतना ही आपको ध्यान में रखने की जरूरत है अच्छा यहां तक सेक्शन नंबर थर्टी सेवन तक हम लोग जितने भी डॉक्टर पढ़ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ लाग, वो, वो लागू होते थे और इमूवेबल दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज पे लेकिन अब जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फ्रॉम सेक्शन नंबर थर्टी टू सेक्शन नंबर फिफ्टी थ्री ए वो सिर्फ और सिर्फ किस पे लागू होता है ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी ठीक सो वेन यू लुक एट इट सेक्शन नंबर

ये दुनिया को दिखाता है दर्शाता है कि यह क्या है एक तरीके का ओनर है एंटाइटल्ड है प्रॉपर्टी के लिए ठीक अब जरा समझो इस बात को समझो कई बार ऐसा होता है ना कई बार हम लोग देखते हैं कि किसी एक जगह पे एक केयर टेकर होता है ठीक है अब आप एक लेट्स फॉर एग्जाम्पल जस्ट एक इमेजिन करो मैं ठीक है एक बहुत बड़ा सा महल है कोठी है बहुत बड़ी ठीक उस कोठी का एक केयरटेकर है ठीक है वो कोठी एक्चुअली किसकी है वो कोठी है ठाकुर साहब की किसकी है भाई ठाकुर साहब बहरनाफ लेकिन उस कोठी पे ठाकुर साहब रहते नहीं ठाकुर साहब और जो उनकी विधवा बहु है जया बहादुरी वो लोग कहीं और रहते हैं, ठीक है ठाकुर साहब के केयरटेकर का क्या नाम है कैन समबडी टेल मी इन द चैट बॉक्स ठाकुर साहब के, के का क्या नाम है कोई चैट बॉक्स में बताएगा शोले देखिए शोले हेज एन इवन सीन के आसिफ की है के आसिफ की है ना के आसिफ ही है शायद हाँ के आसिफ की है किसकी है शोले शोले देखिए शोले भाई हैजन सीन द मूवी शोले हाँ देखो रवि को याद है भाई अरे बहुत फेमस नाम है बहुत फेमस नाम है गोलमाल से तो और फेमस हो गया है आमुआ आ याद आया हाँ टेकर का नाम है रामू काका अबे यहीं से तो फेमस हुआ ये वर्ड रामू काका ठीक आमुआ आ? उसमें बोलते हैं ना गोलमाल में अपना ये क्या नाम रहता है इसका तुषार कपूर आमु आ, आ। तो भैया रामू काका कौन है केयर टेकर है घर के केयर टेकर है। अब ऐसी स्थिति में दो लोग जय और वीरू ये दोनों वहीं पे गेड़ी मारते हुए आते हैं अपनी लंबरगिनी में ठीक है अब ये लोग वहां पे पहुंचे एंड ये रामू का, काका को देख के बोलते हैं यो रामू काका व्हाट्सअप ये मैं किसका है तो अब रामू काका रामू काका ई सैवेज रामू काका डॉग को सुनते हैं रामू काका मतलब लोगों को लग रहा है कि रामू काका मन्ना डे के टाइम के हैं, लेकिन रामू काका बेसिकली के का के टाइम के है, ठीक है? या फिर रामू काका को आप ऐसा समझ लो कि रामू काका इज लिट ठीक है रामू काका इज वेरी अप टू डेट और यह बंदा दिस पर्सन ही एक्चुअली ही एक्चुअली इज अ वेरी बिग फैन ऑफ तनिष्क बागची गुड फैन वेरी बिग फैन ऑफ टोनी कक्कर वेरी 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 ह्यूज फैन ऑफ नोरा दीदी नोरा फते ही दीदी ठीक है कि यह व्यक्ति जय और वीरू को बोलता है कि मालिक हमिक है हमसे बात करो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की तो जय वीरू को लगता है हाँ यार ये बंदा लग तो रहा है लेट हो सकता है यही हो मालिक तो ये इधर इनसे आकर के कॉन्ट्रैक्ट कर लेते सिंपल अब अगर इनको ठाकुर साहब ने अलाउ कर रखा है कि रामू देखो ऐसा है कि अगर हमारी गैर मौजूदगी में कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए तो उसको प्रॉपर्टी बेच देना क्योंकि हमारी ये संपत्ति किस काम की ठीक फेयर तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में रामू काका इज एक्चुअली एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ठाकुर साहब दैट इज व्हाई ही इज एन ऑस्टेंसिबल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी दैट्स ऑल ठीक यही है ऑस्टेंसिबल ओनर का यहां पे एक छोटा सा आप लोग केस भी देखते हैं द द द नेम नेम ऑफ़ ऑफ़ जय दयाल पोदार वर्सेज बीबी हजारा ठीक जय दयाल पोदार वर्सेज बीबी, बीबी हजारा का केस क्या है भाई सिंपल कॉन्सेप्ट है जय दयाल पोद्दार वर्सेज बीबी हजारा में यही चीज एक्सप्लेन की गई थी कि सेक्शन नंबर 41 में जो ऑस्टेंसिबल ओनर का पूरा कॉन्सेप्ट है वो वर्क कैसे करता है ठीक है हाँ वो है मियाँ सुनते होंगे वो ठीक दिस इज दिस इज द कंप्लीट सेक्शन नंबर 41 एक केस है बस उतना ध्यान रख लेना फिर हम लोग आते हैं हमारे आज के लास्ट सेक्शन पे ठीक है कई लोगों की जान में जान आई होगी नहीं नहीं, नहीं टीपीए पार्ट वन खत्म क्रैश कोर्स है यार छोटा सा है जब इसको हम लोग एक्चुअली पॉइंट बाय पॉइंट प्लस क्लासेस में पढ़ते हैं ना तब का कॉन्सेप्ट तब अलग मजा आता है ठीक अब ध्यान से देख रहा सेक्शन नंबर 43 क्या बोलता है सेक्शन नंबर 43 ये बोलता है अगर किसी पर्सन ने किसी तरीके का फ्रॉडुलेंट या फिर एरोनियस ट्रांसफर कर दिया है ठीक है फ्रॉडुलेंट या एरोनियस ट्रांसफर कर दिया है मुझे ये वाला एग्जांपल पता नहीं क्यों हर बार ये एग्जाम्पल डिट्टो एकदम मुझे बेस्ट लगता है ये एप्लीकेबल होता है एग्जाम्पल से समझना ठीक है एग्जाम्पल से समझो मान लो मान लो लेट से फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है सेलमॉन ठीक है एक प्रॉपर्टी है इसका अपन नाम दे देते हैं गैलेक्सी गैलेक्सी अपार्टमेंट ठीक है सेलमोन नाम का एक व्यक्ति है गैलेक्सी अपार्टमेंट करके एक घर उस सलमान ने क्या सलमान ने क्या किया इन्होंने इनकी एक गर्लफ्रेंड है कैट कैट नाम की एक गर्लफ्रेंड है ठीक है विक्की भाई कमेंट बॉक्स में गालियां नहीं देना ठीक है सलमान भाई ने क्या किया जो उनकी गर्लफ्रेंड है कैट उनको गैलेक्सी अपार्टमेंट गिफ्ट कर दिया ठीक है गैलेक्सी अपार्टमेंट गिफ्ट कर दिया कि लो खुश रहो ठीक अब इसमें क्या हुआ कैट भौजाई को लगा कि वाओ ठीक सच एंड शी स्किप टू द गुड पार्ट ठीक है अब यहां पे ध्यान से समझना ध्यान से समझना इज अ ट्रांसफर इन गुड फेथ एंड उन्हें लगा कि हाँ यार ये प्रॉपर्टी तो मिल रही है मुझे क्या प्रॉब्लम है बट साथ, साथ में उन्होंने ये भी देखा कि भाई हो सकता है इस व्यक्ति के पास ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं हो लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा नहीं कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट वॉज स्टिल इन एग्जिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने नहीं तोड़ा अब बहुत ध्यान से समझना यहां पे होगा क्या सिंपल सा रूल एप्लीकेबल होगा कि भाई अगर मान लो गैलेक्सी अपार्टमेंट किसका है क्या नाम है उनका सलीम साहब ठीक है सलीम साहब का अगर कल को ठीक है सलमान भाई आप भी गाली मत देना अगर लेट से फॉर एग्जाम्पल कल को सलीम साहब से फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अल्लाह को प्यारे हुए तो प्रॉपर्टी अल्टीमेटली किसके पास आएगी सलमान के पास सेक्शन फोर्टी थ्री ये बोलता है कि क्योंकि आप ऑलरेडी एस्टॉपल कर चुके हो आप ऑलरेडी एक सामने वाले व्यक्ति को एक प्रॉमिस कर चुके हो तो आपका फर्ज बनेगा कि भाई ये जो प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है ना इसको आप खुद एक्सेप्ट करने की बजाय सामने वाले व्यक्ति को ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि द कॉन्ट्रैक्ट इज येट नॉट एंडेड सो बेसिकली यू विल बी फीडिंग यू विल बी फीडिंग अ ग्रांट आपने प्रॉपर्टी ग्रांट की थी पहले आपने कैसे की मान लीजिए धोखे से कर दी ठीक है या गलती से कर दी दोनों ही स्थितियों में दोनों ही स्थितियों में अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्जिस्टेंस में है अगर आपका ट्रांसफर गुड फेथ में वर्क कर रहा है तो फिर अगर बाद में चल के तम हाउ वो प्रॉपर्टी अगर आपके पास आती है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस प्रॉपर्टी को उस सामने वाले व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिस इज योर फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टोपल यहां पर भी एक छोटा सा केस है दैट इज जुमा मस्जिद मरकारास केस ठीक है जुमा मस्जिद मरकारास केस कभी-कभी यहां पे आ जाता है ठीक इनफैक्ट एक एक और केस है फर्नांडोस केस बोलते हैं उसको वो भी कभी-कभी पूछ लेते हैं 43 के कॉन्टेक्स्ट में नाउ माय डियर स्टूडेंट्स जस्ट क्विकली लेट मी नो हां द कांसेप्ट इज फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टोपन ठीक है हाँ, हम सारी तड़वा के मारेंगे उसी में तो मजा है उसी में तो मजा है इसको कौन सा ऐसा आदमी है कौन सा ऐसा व्यक्ति है कौन सा ऐसा प्राणी है जिसे विक्की कौशल और कैटरीना की शादी से खुशी हुई कौन है ऐसा किसको खुशी हो रही है भाई मिलवाओ हमसे अब है कौन खुश है कोई नहीं है ना ठीक है एग्जाम्पल yes, के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया लेटवी नो हाँ फर्नाडो माइ डियर स्टूडेंट जस्ट क्विकलीटवी नो इन दैट आज की क्लास में जो भी पढ़ा क्या वो समझ में आया अरे कौन खुश है वि मतलब विक्की और कैटरीना की शादी से कौन खुश है भाई <laughs> कौन है कौन सा ऐसा आदमी है कौन सा ऐसा प्राणी है कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने एक जो गाना आया था ना कौन सा गाना था सिंग का तेरी और, तेरी ओर ओर हाय रब्बा, ठीक है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको कभी ऐसा ना लगा हो कि यार अगर कैटरीना हमसे शादी कर लेती तो मजा ही आ जाता ठीक है कौन है ऐसा इस देश में कौन है ठीक है ना भाई इसमें क्या गलत है क्या गलत है अभी मतलब अभी द इंटरेस्ट विज शिफ्टेड टूवर्ड्स नोरा दीदी ठीक है द सेम इंटरेस्ट शिफ्टेड टूवर्ड्स नोरा दीदी लेकिन एक टाइम पे यही सेम फीलिंग कैटरीना दीदी के लिए भी थी है ना तो इसमें क्या बुराई विवेक हरे हाँ, भाई साहब यस अपराजिता मोर देन सफिशियंट विवेक ओबराय हाँ यार विवेक ओबराय खुश होगा हाँ हाँ यार विवेक ओबराय बहुत खुश होगा यस विवेक ओबराय का खुश होना बनता है हाँ भाई साहब ठीक बहुत बढ़िया बहुत था बढ़िया मजा आ गया भाई सुपर ठीक है चलो यार सो दिस वॉज पार्ट वन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कल भी हम लोग कुछ टेक्निकलिटी से ही डील करने वाले हैं क्योंकि सेल है मॉडगेज है वहां पर कुछ कुछ टेक्निकल पॉइंटर्स आते हैं तो कल का सेशन भी मिस मत करना ठीक इंटरेस्टिंग ही रखेंगे बट आज के जैसा नहीं आज तो हम लोगों ने पूरी चीज एक्सटेंड करी है क्योंकि हमने समझा पहले स्ट्रक्चर को कल आपका जो सेशन होगा वो डेढ़ पौने दो घंटे का ही होगा ज्यादा ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा ठीक है बट आई होप आप लोग को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया ठीक है फोन लगाओ विवेक को तुम तो ठीक चलो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया अगर समझ आया तो डू लाइक दिस वीडियो अगर अभी तक लाइक like नहीं किया है डू शेयर इट विद एवरी वन ठीक जस्ट आगे बढ़ जाते हैं जस्ट अ वीडियो को लाइक like कर देना भाई अरे 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 काम की चीज ठीक सो दिस इज माई टेलीग्राम हैंडल मैंने अभी तक आज का डी क्वेश्चन नहीं डाला है सिंपल सी चीज है क्योंकि मैं एनालिसिस वीडियो के लिए प्रिपरेशन कर रहा था कोई झूठ नहीं बोलता मैं सिंपल टेलीग्राम हैंडल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है मेरा तो ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इस पे आपके DIY के क्वेश्चंस आज मैं सिर्फ करंट अफेयर्स का मैंने क्वेश्चन डाला है डी के क्वेश्चंस मैं अभी जाकर के घर जा करके या अगर सामने से अभी बुक मिल जाती है तो मैं बुक से आप लोग को जितने भी अच्छे बेस्ट बेस क्वेश्चन है वो डी वाले दो बना करके दे देता हूँ एक चीज तो ये हो जाएगी दूसरी चीज टेलीग्राम पे ऑब्वियसली और भी बहुत सारी चीजें मैं कर ही रहा हूं उसकी सारी अपडेट जो है, वो मेरे हैंडल पे ही मिलती है बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जितने भी ग्रुप हैं जितने भी फॉलोवर्स हैं जितने भी लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है क्योंकि इट्स बीन ओनली आई गेस कितने अभी बीस दिन हुए हैं मुझे आए हुए एंड मेरे क्लोज टू नाइन हंड्रेड प्लस अराउंड टेलीग्राम पे मेम्बर्स हैं फास्टेस्ट तो थैंक यू सो वेरी मच डू जॉइन इट क्योंकि इस पे सारे अपडेट क्लासेस से रिलेटेड सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा फेर नेक्स्ट वुड बी भाई आई एम टीचिंग ऑन प्लस नाउ मैंने 26 जनवरी से स्टार्ट कर दिया है हमारा बैच, अगर आपने नहीं किया JW10, do, JW10 जाएगा फ्यूचर में ठीक आइकॉनिक के लिए भी आप जा सकते हैं यहाँ पे वन टू वन मेंटरशिप भी मिलती है और मेन सेंट्रिक पढ़ाई यहाँ पे ज्यादा होती है ठीक सो डू दैट आगे बढ़ते हैं ये आपका पूरा सब्सक्रिप्शन प्लान है आइकॉनिक का ये आपका

नी एजुकेटर जस्ट अ जोक ठीक है आगे चलते अरुल खा सर का बैच आ रहा है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम आई बिलीव सो यू कैन द बैच डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं थैंक यू सो वेरी मच आई होप आप लोगों ने आज जो भी पढ़ा जो भी समझा जो भी देखा वो आप लोग को समझ में आया सो दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ टाड़ा बाय बाय ठीक है अच्छा आज मेरी प्लस की क्लास नहीं है मेरी कल uh, कल मेरी प्लस की क्लास होगी एट फाइव थर्टी

जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स ओके बाय बाय जय हिंद ठीक है बाय बाय